हाउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अज़ीज़ लाइव शो के और एपिसोड के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं फारूक? अल्लाह का करम शेख साहब, तबीयत ठीक है अब आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बेहतर हूँ पहले से। जी अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद इस सिलसिले को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो अंदर की बातें हमारी सीरीज़ चल रही थी, इस हवाले से आज इसका आठवां पार्ट है और मिर्ज़ा साहब की किताबों के अंदर से ही फिर से बात होगी। और आज हमारे साथ इस सिलसिले में हमारे साथ आमिर हक साहब भी मौजूद होंगे, थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। इस हवाले से कुछ देर बाद कॉल्स का ऑप्शन जो है वो भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग अपने सवालात हों, आपके कोई भी चीज़ हो या कोई बात शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तब तक शेख साहब, सबसे पहले तो इस आवाम को थोड़ा सा हवाले से भी आगाह फरमा दें, आपकी तबीयत भी कुछ ख़राब चल रही थी, अब कैसी है, क्या सिलसिला है, और थोड़ा सा ये अपडेट कर दें कि आजकल क्या निज़ाम है, कॉल्स वॉल्स रिस्पांस पब्लिक का किस तरह से है, फिर बात को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फारूक। सबसे पहले तो देखने सुनने वाले दोस्तों को सलाम कहता हूँ और आपकी मोहब्बतों शफकतों का मैं इंतहाई ममनून भी हूँ कि आप लोगों ने मतलब जिस मोहब्बत का इजहार किया और आप मेरी खैरियत दरियाफ्त करते रहे, मैं दिली तौर पे आप लोगों का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे। और इसी दौरान बहरहाल फ़ोन कॉल्स जहाँ तबीयत के अलावा मतलब और इन्हीं मामलात के ऊपर भी आते रहे, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी चीज़ को जानना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया को, मतलब मैं इसका खुलासा फारूक आपको देने लगा हूँ कि उन लोगों का कहना ये है कि जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे इस अहमदिया कल्ट के बारे में जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है या जो उस किस्म की इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, उसको एक तो पार्लिमानी बनाया जाए और एक ऐसा बनाया जाए कि जो वाक़ईतन उन्हें सीरियसली इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर करे, मीनिंग इज़ के जो अहमदी हजरात हैं उनको। मैं जो इस तरह के कॉल्स हैं, मैं उनके साथ इत्तफाक भी करता हूँ कि हमें बजाय जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं और जो इस कल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो इसके निज़ाम के बारे में हो, चाहे इसके अकायद के बारे में हो, चाहे इन लोगों के ऊपर जो मजालम हैं उनके ऊपर बात हो रही हो, उसमें मतलब हमें अपने किसी भी एंगर का, अपनी किसी नाराज़गी का मतलब ये मतलब रंग नहीं होना चाहिए कि हम अपने गुस्से को उसका इजहार कर रहे हों, अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हों, उसमें हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज, ताने, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें लोगों के सामने जो हकायक हैं वो रखने चाहिए, क्योंकि देखें, अगर हम ये दावा करते हैं कि हमें अहमदी हजरात से हमदर्दी है, ये हमारे बहन भाई हैं, तो उनके साथ सलूक भी हमारा वैसा होना चाहिए, उनकी इज़्ज़त एहतराम भी इसी तरह होना चाहिए, उनके साथ कोई ऐसी मतलब इंसल्टिंग वे में उनसे बात जिसमें उनकी तज़हीक हो वो नहीं होनी चाहिए। हकायक हम सामने रख दें, मानना ना मानना उनका काम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तब्दीलियाँ फौरी नहीं आती, तब्दीलियाँ कभी फौरी नहीं आती, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। लोगों ने कंपैरिजन करना होता है, लोगों ने स्टडी करनी होती है, लोगों ने उसको मैचिंग, क्रॉस मैचिंग करनी होती है, उसको क्रॉस चेक करना होता है। सो वी हैव टू बी वेरी पेशेंस, वी हैव टू बी वेरी हम्बल इन टू दैट वन। एंगर हर एक के अंदर है। अच्छा, फिर बाज दोस्तों से जब मैंने इस चीज़ का जिक्र किया फारूक, तो वो कहने लगे कि देखें जी, आजकल
इस सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब हमारे मुसलमान दोस्त वो कहने लगे कि जी ये अहमदियाज़रात जो है ये बहुत गाली गलोच और बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग वे में, और ये देखें किस तरह से आके बातें करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ और ये सामने है ये चीज़ें कि वो जब आते हैं तो वो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो हैं जो आपकी बात को ख़राब करना चाहते हैं, आप एक काम जो उनके नज़दीक उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, उनके लोगों की तवज्जो इस तरफ ले, वो चाहते हैं ये आप सही काम से हट जाए, एक वो होते हैं। और एक वो होते हैं जो मतलब किसी तौर पे भी नहीं चाहते, या वो आपका मतलब जो असल चीज़ है उनके पास जवाब नहीं है तो वो मतलब किसी दूसरी तरफ बात को। अगर हम अपने मकसद में ऑनेस्ट हैं, अगर हम अपने रास्ते को मुतय्यन कर चुके हैं, तो हमें इन रुकावटों का या इन हर्डल्स का, ऑब्स्टिकल का हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। हम ये फोकस अपने ऊपर रखें कि हमारा जो इखलाक है, हमारा जो मियार है, हमने उसे हाथ से नहीं जाने देना। तो ये चीज़ जो है, ये मैं अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को जो यही काम कर रहे हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो भी तहम्मुल से, सब्र से, और विद दी पार्लिमानी लैंग्वेज जो है, शाइस्तगी और तहजीब को हाथ से ना जाने दें और अपने गुस्से को एक तरफ रखें और मिलजुल के काम करें। ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह, अगर आपका ये है, अगर आपका ये रोजगार नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू से दीज वर्ड्स फारूक, ये चीज कहनी पड़ेगी, क्योंकि बास लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनका ये होता है कि लेट मी हैव द सो मैनी क्लिक्स, कि मेरे इतने व्यूअर्स हैं, मेरे इतने क्लिक हैं, तो मेरे के इतने पैसे बनेंगे। आई एम सॉरी, ये हर जगह है। ये मजे की बात है, एमडी भी ये काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो इससे मुबर्रा है, वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन जैतून चैनल की मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं आ रहा हूँ, इसमें कतई तौर पे मॉनेटरी और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये सिर्फ और सिर्फ अहमदी हजरात की हमदर्दी के लिए, उनके सामने हकायक रखने के लिए, उनके सामने जो रास्ते के अंधेरे हैं उनको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम है। इस जैतून की चैनल की ये जो टीम है, इनका कतई और कोई मकसद नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ अज़रा इंसानी हमदर्दी और अपना इखलाकी फर्ज समझते हुए ये लोग इस तरह अपना टाइम देते हैं, अपनी हर चीज़ जो है एनर्जी इस पर सर्व करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इनकी कदर कीजिए आप, और इस चीज़ के ऊपर के अगर आप कहीं महसूस करते हैं कि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले, कोई सख्त बात निकले, मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो आपके नज़दीक ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरी ना करती हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कॉल कर, जैसे कि बाज हमारे कनाडा के लोग जानते हैं, वो मुझे फ़ोन भी करते हैं और वो चीज़ इसको तस्लीम भी करते हैं कि शेख साहब हम आपसे इसलिए कि आप एक सही बात करते हैं और आप जो हैं बगैर किसी तासुब के बात करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम एंड रिस्पेक्ट देम और थैंकफुल हूँ उनका कि ये पूरी हमारी जैतून चैनल की पूरी टीम जो है वो इसी तरह की है। ये इसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो आपसे किसी लिहाज से भी को हार्श बात करेंगे। तो ये मैं अपने दूसरे दोस्तों को जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी टोन को थोड़ा सा बदलें, और अगर उनका पैसे का मामला है तो ठीक है वो करें, मैं इस मामले में उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता या मदद नहीं कर सकता कि मैं उनको कहूं जी पैसे मुझसे ले लो और आप आराम से बात कर लो, दैट्स देयर जॉब। तो आप फिर ये ज़रूर कहूँगा कि आप फिर उन लोगों को सुने जहाँ से आपको इल्म की बात मिल रही हो। जी फारूक, जज़ाकअल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरम आमिर हक साहब भी मौजूद हैं। आमिर भाई, आप सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकात। जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेख साहब ने किया। शेख साहब को सबसे पहले अहलन वसहलन मरहबा। थैंक यू फारूक, बैक, शुक्रन जज़ीलन आमिर, शुक्रन शुक्रन। अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर कर दे। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बा'स रब्बन नास वश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। शुक्रन, दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे इस बीमारी को दूर करे, और अगर अल्लाह ने बीमार रहना इंसान की फितरत और नसीब में रखा है तो उसके इवज जो उसकी कताइयाँ, कमजोरियाँ, बशरी जो नुक्स हैं, सुकम हैं, अल्लाह ताला उनको दूर कर ले। आमीन। एक सब आपने जो बात की है इस हवाले से मैं इब्तदान बात करता हूँ। एक नुक्ता मेरे जहन में आया,
कि जमात अहमदिया के जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ आम तौर पर जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का हार्श रवैया, बड़ा तुंद और तेज़ और तान व तशनी और दशनाम तराजी और इल्ज़ाम तराशी और बहतान बाजी और इस किस्म के जो रवैया रखा जाता है कि खुदा वास्ते का बैट डाल दिया जाता है, मतलब देखा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़ुबान ज़द आम हो गई हैं कि जिनको गलतुल आम का दर्जा दे दिया गया है। यानी वो हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो बातें डाल दी गई हैं। जमात अहमदिया दुआइयाँ देती है कि भाई हमने ये नहीं किया, मगर हम लोग यानी ये दावती रवैया नहीं था। इस पर मैं एक बात शेख साहब करता हूँ एड ऑन के, वो ये है जी। कि मैं जहाँ तक अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम अजमाइन की सीरत, बिलखसूस जो दावती अंदाज और तबलीगी फिक्र थी उनकी और जो उनका अखलाक हसना था उसको सामने रखकर, बिलखसूस उन लोगों के साथ जो उनके शदीद मुखालिफ होते थे उनके साथ, देखें अपनों के साथ शेख साहब आपकी मेरी अगर एक चीज पे इतफाक हो गया हम बड़ा मुस्कुराकर देखेंगे, पता तो तब है कि जब हम इख्तलाफ करें। मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इत्तेहाद इस चीज का नाम नहीं है कि हाँ हाँ कर कर इकट्ठे हो जाओ, इत्तेहाद इस चीज का नाम है कि जहां इख्तलाफ हो उसके साथ मुत्तहिद रहना। ये लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अच्छा बिल्कुल, मैं ये शेख साहब मैं ये तसव्वुर करता हूँ, सोचता हूँ कि यार अंबिया को अल्लाह खबर देता था, अलल गैब, गैब की खबर, जिनसे पर्दे उठाकर अल्लाह उनको खबर देता था कि ये वो नबी अपने मुखालफीन के बारे में कभी मायूस और नाउमीद नहीं होते थे। बिल्कुल सही। और कभी उनके साथ इस किस्म का रवैया नहीं रखते थे कि गोया जो है ना वो हरफे आखर कर चुके हों। मगर हम यहाँ पर गली का कोई जनाब अलामा को हमारे जैसा कोई ईंट उठा के जनाब को फहामा निकलता है, वो कहना शुरू कर देता है सारे जन्मी कैटेगोरिकल हुए हैं हम मानते हैं इनको। कम ऑन यार, एक तरफ आप कहते हो कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उबादा उज़बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन लोग थे जो लोगों के लिए निकाले गए थे, तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम नेकी की तरफ बुलाते थे बुराई से रोकते थे, ये वजह थी तुम्हारी बेहतर होने की। एक सब अनफॉर्चुनेटली हम बहसियत मुसलमान हक रखते हुए भी फ्लॉप हो रहे हैं और फेल हो चुके हैं सिर्फ अपने इस अखलाक की वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, मैं बड़ी मुझे प्यारी आयत लगती है गालिबन सूरह आले इमरान की चैप्टर 3 वर्स 159 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा मैं यहाँ एक रेक्टिफिकेशन भी कर लूँ, कल एक प्रोग्राम हुआ है हमारा सेम पैटर्न के ऊपर, उसमें मैंने सूरह बकरा की आयत 89 कही थी जबकि वो 79 है, तो मैंने काफी पहले पढ़ी हुई थी तो उसको मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँ। अच्छा सूरह आले इमरान की आयत 159 है जिसमें शेख साहब फरमाते हैं, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह के रसूल अल्लाह की रहमत से तुम्हारे दिल को अल्लाह ने नरम कर दिया हुआ है। वलौ कुंत गलीज़ल क़ल्बि लन्फज़्ज़ा मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल वाले होते, झगड़ालू होते, तुरश बातें करने वाले होते, ये आपके इर्द-गिर्द भाग जाते हैं, आपके नजदीक भी ना आते, बिल्कुल सही, नजदीक भी ना आते। हम किस तरफ जा रहे हैं, एक तरफ हम खैरखा बनते हैं, एक तरफ हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत से बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, शेख साहब ने ये नहीं कहा कि टॉलरेंस का मतलब ये है कि गलत को गलत ना कहो, ना गलत को गलत कहो मगर हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, हिकमत के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आमिर, रियली जिसे कहते हैं ना कि कूजे में दरिया बंद करना, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, थैंक यू, अल्लाह जजा दे आपको, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया जी। फारूक भाई आपने अगर कोई बात फर्दर प्रोग्राम के वाले से करनी है, शेख साहब का मैंने टेक लेना है दो चीजों के ऊपर अभी रिसेंटली डिस्कस किया जी नादरीन के लिए। मैं चाहता हूँ कि शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि शेख साहब क्या देखते हैं, क्योंकि सिंस ही इज अ रिसर्चर एंड ही इज न्यूट्रल, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी राय। शेख साहब दो सवाल मैंने पूछने हैं, नंबर एक, ये बड़ा जुबान ज़द आजकल आपको पता है जिस तरह टिड्डियों का सलाब आया इसी तरह झूठे मुद्दे नबूवत का भी सलाब आया हुआ है, ठीक है, वो भी उनकी भी थोक के हिसाब से वो भी आए हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये पूछना था, एक सब दो मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस वाले से, आपकी राय क्या है? नंबर एक, क्या सच्चे का जिंदा रहना और झूठे का मर जाना कत्ल होकर, क्या ये कुरानिक उसूल है हक और बातिल के लिए? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये असल में फारूक अपना आमिर, मतलब जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मैं इस चीज को समझा हूं, मैं वो बयान कर रहा हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, जब मैंने ये बात की, फारूक भाई हो रही है, फारूक भाई मेरी तरफ से जी जी आप माइक म्यूट कर लीजिए जी जी अब ठीक है जी शुक्रिया कि ये जब मैंने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका मकसद ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मैं कुरान से समझा हूँ,
अब इसकी इब्तदा जो है, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साबका पीर थे, मेरे साबका इमाम मेहदी थे, मेरे साबका नबी थे, आ जहानी गुलाम कादियानी साहब, ये उन्होंने मतलब अपनी जात को मनवाने के लिए उन्होंने ये सिलसिला सामने रखा। आमिर, सिलसिला ये है कि कुरान कहीं पे भी दो किस्म के नबियों की बात ही नहीं करता, सच्चे झूठे। अल्लाह ताला की जात जो बात कर रही है वो कह रही है कि ये मेरा, मैंने अपना पैगंबर तुम्हारी तरफ भेजा है, और ये नहीं अल्लाह ताला कहता कि तुम इसको मान लो। वो कहता है कि इसके जरिए जो मैं पैगाम भेज रहा हूं, मेरे उन अहकामात और मेरी उस तालीम और मेरे उन कवानीन को मानते हुए उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को ऐसी बनाए कि वो तुम्हें जन्नत की नौमा से में ले जाए। अब मतलब वो आपको जो उसका फल देना चाह रहा है, जो आपको उसका रिवॉर्ड देना चाह रहा है, उससे उसने फिर उसे जन्नत से तशबीह दी हुई है कि इसके मुताबिक ये जो तुम्हें बातें बताएगा, ये जो मैं तुम्हें तरीका कार देगा, जिसे इंग्लिश में हम यू कह लें कि द मैनुअल, द मैसेंजर इज टेलिंग यू अबाउट your life, that is the manual. Manual is your Quran, the teaching of Allah, whatever the messages, jo bhi Allah Ta'ala ke wo anbiya leke aaye, unke mutabik jab aap apni gaadi drive karoge, you will have a very smooth ride and you will have a very safe ride. Lekin agar aap un pe amal nahi karoge, gaadi ko uski lane se nikaloge, daayin baayin ghumaoge aur kabhi brake lagaoge, kabhi zyada speed doge, to aap usse intishar phailaoge, दूसरी ट्रैफिक को मुतासर करोगे, दूसरे आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होके जहां अपने आप को नुकसान दोगे, वहां दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे। आपने जो अपनी शुरू की बात की ना कि ये उम्मत जो है, ये खैर उम्मा है, वो क्या है कि इसका काम है कि अल्लाह ताला के इस पैगाम को, अल्लाह ताला की इसका तालीम को दूसरों तक पहुंचाना। मीनिंग इज दैट वन कि आप एक ऐसी रोशनाई और मतलब लाइट हो जो दूसरों को रास्ता दिखाती, मशले राह हो आप। अब सिलसिला क्या है कि ये चीज बना दी गई, इसको ट्विस्ट किया, सॉरी मैंने लंबी बात कर दी, मैं उस चीज पे वापस आता हूं कि जब ये सिलसिला के जी अगर कोई चीज, अल्लाह ताला ने एक सिंपल कुरान में वो साफ सी बात की है कि अगर कोई मेरी तरफ बना के करता है झूठ, तो उसका जो अंजाम है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। उससे ये नहीं है कि ये मारा जाएगा, इसे नहीं है इसे कत्ल कर दो, ये इसके सच्चे होने की या झूठे की निशानी, कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं। उस पर उसको बताया गया कि वो चीज यहाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि ये चीज मेरी तरफ बना कर दे। अब यहाँ पे आके इसी चीज को मुझे एक मिनट कह लेने दीजिएगा कि सूरह अल-हाक़ा की जिस आयत का कोट किया जाता है कि जी अगर ये, अब पर्टिकुलरली बात हो रही है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए। और मजे की बात है, इसको आ जहानी गुलाम कादियानी ने भी तस्लीम किया हुआ है कि अगर ये, मतलब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अपनी तरफ से कोई बात मिला लेते जो कि अल्लाह का पैगाम जो कुरान की शक्ल में आ रहा है उसकी बात हो रही है, तो हम इसकी रगे जान से पकड़ लेते। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, जरा इनसे, मतलब जिन्होंने ये सिलसिले किए हैं उनसे पूछें कि वो कौन सी चीज या क्या रवील हो रहा जो आपने उम्मत के सामने, इंसानों के सामने, देखें अल्लाह ताला जब अपने नबी को एक चीज देता तो अपने पास नहीं रख सकता, उसका काम है उसको पहुंचाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज है जो आपने पहुंचाई। आपने तो आके कहा जी कि मैं एक लफ्ज भी जो कुरान के अलावा है बाहर से अपने पास से बात ही नहीं कर रहा, और आपने सारा कुछ इतना लिख लिखा दिया कि मैं जो बोला खुदा के बुलाए से बोला, मुझे समझ आई नहीं आई, इतनी तेजी से हो गई। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? वो चीज मौजूद है, वो अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में, रसूलल्लाह के बारे में वो बात हो रही है। कहीं पे भी सच्चे झूठे नबी का, मतलब दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट कुरान। जी ओके फारूक भाई,
फारूक भाई ओवर टू यू जी, स्टार्ट करें बकायदा। जी जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अब तो नहीं हो रही इको आवाज़, ठीक है ना? अब ठीक नहीं, अब ठीक है, अब ठीक। ओके जी, जजाकल्ला। अब हम आते हैं हमारा जो रेगुलर जो हमारी ये सीरीज चल रही है इस हवाले से, अंदर की बातें किताब। शेख साहब, सफ़ा नंबर 7 तक हम पहुँच चुके थे जी, आज शुरू करते हैं जी यहाँ से आगे। प्लीज यहाँ से आगे कंटिन्यू कीजिए और इसके ऊपर फिर बात करते हैं जी। अच्छा, आमिर करेंगे या मैं करूं? अच्छा, आपके पास वहां पे हार्ड कॉपी ओपन है तो जी, आप जी 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 जी। अच्छा, इसमें जो पहली चीज है वहां पे लिखा हुआ है कि मतलब उसके हवाले से कि जहानी गुलाम कादियानी साहब का वो मई की अखबार है जो 1908 की लाहौर के उर्दू अखबार आम ने ये खबर दी थी कि हजरत मसीह माऊद ने अपना दावा और नबूवत वापस ले लिया है। तो उसके नीचे ये है कि आपने उसी वक्त इसकी तर्दीद फरमाई और लिखा कि हमें दावा नबूवत है। अब ये चीज़ गौर कीजिए, मतलब इस चीज़ पे कि अखबार एक दे रहा है कि जी मिर्ज़ा साहब ने अपना दावा नबूवत वापस ले लिया, और मिर्ज़ा बकौल इनके जो नीचे सीरत हजरत मसीह माऊद है जो जी, मतलब जिसका हवाला है कि वो ये बता रहे हैं कि नहीं जी मिर्ज़ा साहब ने उसी वक्त अपना ले लिया कि ये खबर गलत है, मैंने कोई दावा नबूवत जो है ना वापस नहीं लिया। अब नीचे आके उसके बारे में वो उनकी जो है सिलसिला उसका दूसरी कोटेशन वो आ रही है, मजमू इश्तहारात की है ये, बकायदा इन्होंने इश्तहार छापा था इसी चीज के ऊपर ही। जी 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 जी, जो जल्द अवल में मौजूद है ये चीज जो है जी, उसमें वो फरमाते हैं बकायदा तौर के ऊपर के अम्माबाद तमाम मुसलमानों की खिदमत में गुजारिश है कि इस आजिज के रिसाला फतल इस्लाम व तोज़ीए मराम व अज़ाला उहाम में जिस कदर ऐसे अल्फाज मौजूद है हैं कि मुहद्दस एक मानी में नबी होता है या ये कि मुहद्दसियत जुज़वी नबूवत है। अब यहाँ पे मतलब वो इस चीज के आ गए कि मुहद्दस जो है उसका डिफाइन कर रहे हैं कि एक मानी में नबी होता है, हालांकि एक मानी में मुहद्दस जो है हदीसें इकट्ठे करने वाले को भी मुहद्दस कहते हैं, मतलब जी, ये जो चीज है वो दाल की वेर के साथ, वो दाल की वेर के साथ मुहद्दस जी, मुहद्दस जी। फारूक, आप कुछ कहने लगे थे? मैं कह रहा हूँ इससे आगे पढ़ने से पहले यहीं पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो ये चीज, इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप रिस्पोंड कर दें आमिर भाई, कि नबूवत कोई ऐसी चीज है मिर्ज़ा साहब ने समझ लिया है, जब चाहा दावा कर दिया, जब चाहा वापस ले लिया, किसी ने कहा काटा हुआ ख्याल फरमा लें तो दूसरे ने कहा नहीं जी वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले तो इस पे बताएं फिर दूसरी बात मैं करता हूँ। पहली चीज है कि नबूवत इंसान के इख्तियार में नहीं चीज, और ना ये कोई कस्बी चीज है कि हम कोई मेहनत करके, कोई मजदूरी करके, कोई पढ़ के, कोई थीसिस लिख के, कोई काम करके, नमाजें रोजे डाल के तो फिर ले सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैंने जो नेमतें हैं अपनी पूरी कर दी, जब दीन मुकम्मल हुआ तो ये चीज भी उसके साथ मुकम्मल हो गई हुई है। मतलब ये कुरान की, हाँ, जी जी सॉरी शेख साहब काट गए, इसमें मैं ये भी ऐड कर लूं शेख साहब कि नबूवत जो है वो किस्तों में नहीं आती, वो ऐसा अल्लाह का फजल होता है कि जो मनसब यकमुश्त अता कर दिया जाता है। वो तो अपॉइंटमेंट लेटर है ना कि जब मिल गया अब उसके बाद उसकी ड्यूटीज और उसके बाद जो सारे सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे, जो मैसेजेस हैं जब तक कि अल्लाह ताला उसको कहे कि नाउ दिस इज इट, कि भाई अब इससे आगे कोई फर्दर ला नहीं है, कोई आगे कानून या और कोई हमने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी या कोई और बात नहीं कहनी, इट्स ओवर नाउ, कि ये आपके पास सारा कुछ आ गया और ये महफूज है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अब ले रहे हैं, ये इसका काम था जिसको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, मतलब जिसको हमने नबूवत अता की थी उसने अपना काम शुरू किया, और ये तमाम वो मैनुअल है जो आपको हैंड ओवर कर रहा है अल्लाह का मैसेंजर, ये है इसके मुताबिक अब आपने जिंदगी गुजारनी है। वो बिल्कुल आमिर की बात सही है, ये को किस्तों में नहीं ये चीज होती, ये चीज कि आज मुझे एक गैर हकीकी मिली है, कल को मुझे हकीकी मिल गई है, ये इट्स नॉट लाइक यानी शेख साहब आप जो वजाहत कर रहे हैं मैं नाजरीन के लिए आसान कर देता हूँ कि शेख साहब जो बताना चाह रहे हैं, एक है अहकामात का ताल्लुक और एक है मनसब नबूवत, ये दोनों में फर्क। जो अहकामात हैं वो यकीनन
फितरती तौर पर तदरीजन आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, जिस जिस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। मगर जो मनसबे नबूवत है वो यकमुश्त एक अपॉइंटमेंट लेटर है, ता दे दिया जाता है कि आपके इख्तियार है। शेख साहब आपको बंदा ये कहना शुरू कर दे कि जी अभी तक तो मैं गैर हकीकी था, हाँ अगर आप तशरीह इसकी करते हैं तो मुझे तशरीह भी मान लें, मुझे जिली भी माने, मुझे बरूजी भी माने। वो अगली लाइन में बिल्कुल यही चीज वो फरमा रहे हैं जो आज जहानी है, अब ये लोग वो यही फरमा रहे थे, यही गेम यहां से स्टार्ट हो रही है। ये तो उनकी करामत हो गई है, उनकी करामत हो गई है। एग्जैक्टली ये यही तो गेम है ना। मैं दूसरी चीज यही कहना चाह रहा था, आपने काफी सवाले से एलेबोरेट कर भी दिया है कि नबूवत एक बड़ी कंफर्म सी चीज है शेख साहब, कि ये कोई ऐसी शकूक व शुभात के लिबादे में लिपटी हुई चीज नहीं है कि किसी को समझ आ रही किसी को नहीं। नबी का बड़ा क्लियर दावा होता है कि मेरी बैक पे अल्लाह खड़ा है, अल्लाह की जात है मेरी बैक पे और मैं अल्लाह के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। मिर्जा साहब कह रहे हो कभी मैं मुहद्दस हूँ, कभी जनाब जी मुझे ये ख्याल कर लें, कभी वलीउल्लाह ख्याल कर लें, कभी कुछ 20% नबी, फिर 30%, फिर 40%, लो जी आज मैं 100% हो गया, अब मुझे मान लें। What is this? नबूवत ना होगी, सॉफ्टवेयर हो गया, अपडेट होता रहता है। या एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये फिर मुसीबत ये है कि उनकी मिर्जा साहब की खूबी जो थी ना वो ये थी कि मुझे फिर बार बार अपने उस चीज का रेफरेंस देना पड़ता है कि मैं मिर्जा साहब को अल्फाज का खिलाड़ी कहता हूँ, प्लेयर ऑफ वर्ड्स, सुल्तानुल कलम। नहीं ये सुल्तान, आई एम सॉरी, ये सुल्तानुल कलम नहीं आएंगे। ये जो डिसेप्शन है ना, ये जो डिसेप्शन है, क्योंकि देखें आप अगर किसी एक चीज से खेलते हैं तो एक होता है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से खेल रहे हैं खेल को, चाहे कुछ भी हो जाए, रेफरी हो, अंपायर हो, ना हो, आप कहते हैं जी बॉल जो थी जरा सी लाइन से बाहर चली गई थी, मैं रुक जाता हूँ, या मैंने ऐसे कर दिया फाउल हो गया, मैं रुक जाता हूँ। एक होता है कि आप कहते हैं ऐसी की तैसी, दूसरे की टांगे तोड़ो, बाजू तोड़ो, जैसे मर्जी धक्का दो, सो जी मैं जी खेल ही रहा हूं, मैं कौन सा को कुश्ती कर रहा हूं, आप ये कहते हैं। बुजुर्गवार ने जो कुछ सिलसिला किया हुआ है ना मिर्जा साहब ने, मुसीबत यह है कि अला हजरत ने यही काम किया हुआ है। अब बाज हो सकता है कि जो तनख्वाहदार इस अहमदिया कल्ट के लोग हैं वो मेरी बात से थोड़ा सा नाराज हों या इस पे कुछ ऐसी सख्त रवश का इजहार करें, लेकिन अगर आम जो अहमदी है अगर वो किताबें खोल के पढ़े मिर्जा साहब की, तो उसे समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है और मैं क्या बात कह रहा हूँ। मिर्जा साहब इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि ये जी हकीकी होती है, ये गैर हकीकी होती है, ये इस तरह की होती है, ये फला होता है, ये मजाज होता है, बंदा नवाज की खीर होगी ना शेख साहब, अंधे की खीर ही होगी वो। अब वहां पे तो आपने सोर्स दे दिया है कि वो अंधा हो गया, तो लाजा वो गैसेस पे आएगी सारी बात, के भी अंदाजों पे चलेगी। यहाँ तो अल्लाह ताला की जात पीछे खड़ी है, अपने नबी के, अपने पैगंबर के पीछे खड़ी है। ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी ऐसे बंदे को मुंतखब कर ले इंसान की तरबियत के लिए, इंसान की हदायत के लिए, उसे गाइड करने के लिए, जिसे खुद अल्लाह की बात ना समझ आ रही है। ये तो सवालिया निशान अल्लाह की जात पे उठता है। तो इनके पास ये बकौल मुसीबत है, बुजुर्गवार ये भी भूल गए थे कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि जी मैं कुरान को ही रिवाइव करने वाला, मैं कुरान की तालीम को ही आगे फैलाने वाला, जब एक चीज मुकम्मल मौजूद है और फिर मतलब बात दूसरी तरफ निकल जाएगी कि आप कुरान के बारे में ये दावा कर रहे हैं कि मुझसे ज्यादा इस कायनात में कुरान का फहम किसी और को नहीं है, और बुजुर्ग 50 से ज्यादा साल आप कुरान को यही समझते रहे कि ईसा जिंदा आसमान पे बैठे हुए हैं। मतलब या तो आप बिल्कुल, क्योंकि बाद में आपने चेंज करना है तो लिहाजा वो बात आपने अपनी खुद गलत कर दी, और अगर ये सही था तो फिर आपका ये कहना कि मुझे अब अल्लाह ने बताया है कि नहीं ईसा बहुत हो चुके हैं, पहले तो आपने अपनी जात को ये बताया कि मेरे पास कुरान का फहम सबसे ज्यादा है, और मेरा फहम क्या है, मेरा फहम यही है कि हजरत ईसा जिंदा है आसमान पे, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा फहम किसी काबिल नहीं था, मुझे अब अल्लाह ने बता दिया। मकसद, थिंक अबाउट दैट वन,
कि आप थोड़ी देर को गौर करें कि अल्लाह ताला एक बंदे के बारे में ये फैसला कर चुके हैं और ये उनका है कि मैंने इस शख्स को फलां वक्त पे आके इसके कहना है कि चलो जाओ अब डिक्लेयर करो योरसेल्फ कि दैट यू आर अपॉइंटेड एज ए मैसेंजर, आपको ये इनाम दिया जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट ये की जाती है, नाउ यू शुड गो अहेड एंड डिक्लेयर देम कि अल्लाह टोल्ड मी दैट आई शुड टेल एवरीवन दैट आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. फिर वही जो भी हकीकी गैर हकीकी उम्मती जिल्ली ब्रूजी जो भी है, लेकिन आप अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि ये चीज है. अब ये सोचें कि अल्लाह वो जो अलीम व खबीर है, क्या उसको नहीं पता था कि आप कुरान को गलत समझते आ रहे हो? अब मैं जो बात इसे कहने लगा हूं कि अब ईसा को तुम फौजशुदा मान लो तो अब उन्हीं कुरान की आयात को तुम पेश करोगे, उसी कुरान में से आयात को पेश करोगे अपने हक में कि ये देखें कुरान ये कह रहा है फौत हो गए. तो जो पहले 50 से ज्यादा साल जो समझ रहे थे उस वक्त नहीं आयतें समझ आई थी आपको जब आप ये दावा कर रहे थे कि मेरे पास कुरान का सबसे ज्यादा फहम है? तो क्या आपकी अकल पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था? और अल्लाह किन की अकलों पे पर्दे डालता है? मतलब मिर्जा साहब को कतई तौर पर यह बात नहीं समझ आ सकी कि मैं कहने क्या लगा हूँ. और अब सबसे ज्यादा जो मेरे नज़दीक अफसोसनाक मतलब जो चीज है वो ये है, काश के आई विश के मैंने पहले दिन ये बातें पढ़ ली होती कि या मेरे पेरेंट्स ने मेरे अबाओ अजदाद ने पढ़ ली होती जो इनके सहाबा भी कहलाते हैं तो आज हम इस मुसीबत में ना होते. सिलसिला ये है कि ये सोचें ये गौर करें इन चीज़ों के ऊपर कि यार ये बातें मिर्जा साहब कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते अहमदी हजरात. अहमदी हजरात मैं क्या यहाँ पे अगर आप बुरा ना माने मुझे कह लेने सब हम सभी हैं रह नहीं सकता, मुसलमान भी नहीं करता, मुसलमान भी नहीं कर रहे, मुसलमान भी नहीं कर रहे. मतलब हो सकता है दूसरे कुछ लोग ये चीजें कहने के झिझके डरे, लेकिन मुझे ये है कि मुसलमान भी नहीं करता, वो भी बिल्कुल लकीर का फकीर बना हुआ है चीज लेके चल रहा है. इकबाल कहते थे ना कि तावील का फंदा सयाद लगाए ये शाख नशेमन से उबरता है बहुत जल्द. तो तावील जब तावील के धंधे चलते हैं तो फिर हम लोगों का चूंकि कंपैरेटिव तकाबली होता ही नहीं है, मुताला शौक भी नहीं होता, तो हम फटाफट सरेंडर कर जाते हैं. ये मुसलमानों का भी यही हाल है कह रहे हैं. एमडी हजरात से मैं यहाँ पे मुझे इजाजत दे दी ये बात कहने के लिए, मैं एमडी हजरात से मुखातिब होकर ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें खुदा रा आप अपने ये जो मैन ऑफ गॉड जिसे आप कहते हैं जो नाम दिया हुआ है कि मैन ऑफ गॉड के जी हमारा खलीफा जो है मैन ऑफ गॉड है एंड अल्लाह हैज अपॉइंटेड हिम कि अल्लाह खुदा खलीफा बनाता है, खुदा रहा इसके आगे किसी दिन अपने बच्चे के जरिए या कोई लजना या कोई खादम या कोई इंसार ये हिम्मत करके जुरत करके उनकी खिदमत में अर्ज कर दे कि बुजुर्गवार हजूर आप बजाय हम बच्चों के साथ इनको खिलौना समझ के खेलने के आप ऐसे करें आप मिर्जा साहब की किताब एक ब्राहीन से शुरू हो जाए नंबर एक से और आप उसके एक एक सफ़े का हमें दर्स देना शुरू कर दें. ओए होए क्या बात ये मेरी रिक्वेस्ट है एमडी साहब, शेख साहब बड़ी मासूमाना रिक्वेस्ट है, आप चाहते क्या हैं शेख साहब? शेख साहब अगर ये दर्स शुरू हो गया तो पतीलियां चलेंगी, बेलने चलेंगी, दस्तों गिरेबान हो जाएंगे लोग. नहीं मैं तो देखें मेरे एमडी दोस्तों बहन भाइयों ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनका काम है उनका फर्ज है कि आपको एजुकेट करें, आपको बताएं कि जब ये खलीफा साहब अपनी लिखी हुई तकरीर में ये बताते हैं जिसको आप समझते हैं कि ये खलीफा साहब ने बात कही है, हालांकि खलीफा साहब ने नहीं कही होती वो बात कि जी अल्लाह की इससे मुराद ये थी, ये रसूल अल्लाह की इससे ये मुराद थी. तो चलें बुजुर्गवार छोड़े वहां तक तो आप नहीं जा सकते, आप सिर्फ आके मिर्जा साहब की किताबों से बता दें यहाँ मिर्जा साहब की क्या मुराद थी फिर लग पता जाएगा शेख साहब, या पता लग जाएगा या लग पता जाएगा. चल जी शेख साहब मैं एक मिनट जाने से पहले सबसे पहले तो जो है ना बहरहाल चूंकि फारूक भाई इस वक्त संभाले हुए हैं तो मेरी तरफ से भाई तमाम नए आने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम भाई जो हमें प्यार दे रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम. हम लोग गुफ्तगू में लग गए तो आप सबका अस्सलाम वालेकुम, मगर आज शेख साहब काफी देर बाद आए तो हम जरा इंजॉय कर रहे हैं. अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ शेख साहब किताबों से मुझे याद आया, फिर फारूक भाई को हम कहेंगे कि हमें फर्दर आगे वो सैर करवाएं अंदर की बातों की. शेख साहब ये मुझे एक मेरे बड़े करीबी इस वक्त वो दोस्त हो चुके हुए हैं, उन्होंने मेरे से रابطہ किया पाकिस्तान से
तो वो कादियानियों की जो है ना वो अंदर रह रहे हैं और समझे कि नीम किस्म के वो सोच भी उस तरीके की है हजरात की तरह। वो मुझे कहते हैं कि मैंने ना आप लोगों का प्रोग्राम सुनकर ना मैं मुझे जोश तहकीक हुआ एकदम। मैंने शेख साहब की बात सुनी आपकी सुनी मुझे जोश आया कि यार पढ़ो ना किताबें मसला क्या पढ़ो। कहते हैं मैंने इनकी एक किताब खोल कर पढ़ी है एक पैराग्राफ मुझे पढ़ा मुझे माइग्रेन शुरू हो गया। अब मुझे बताएं बंदा किधर जाए। ये हकीकत बता रहा हूँ। एक जमाना मुझ पे भी शेख साहब गुजरा है। मैं कॉलेज लाइफ में था मुझे ये कादियानियों के अहमदियों के बारे में पता चला मैंने बुक्स खरीदनी शुरू की मैंने कहा पढ़ते हैं बड़ी मैंने वो खाकी लिफाफे के अंदर लपेट कर फर्स्ट मुझे सेट रूहानी खजान का वेरी फर्स्ट टाइम मैंने रूहानी खजान से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ यकीन करें शेख साहब मैं एक पैराग्राफ पढ़ता था मुझे नींद की वादियों में मैं चला जाता था। मुझे समझ यानी सुकून में नहीं समझ नहीं आती थी वैसे ही नींद एक लाइन से दूसरी लाइन में। ऑनेस्टली इस चीज को इनके मतलब पोते जो थे इनके उनकी डेथ हो गई है मिर्जा रफीक वो तस्लीम कर चुके हैं मेरे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में के मतलब इनकी बातें जो हैं मतलब अपने दादा के बारे में कि ये इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं है। और इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन जो है इसकी ताईद खुद आं जहानी कादियानी साहब ने की हुई है कि मेरी किताबों को तुम्हें एक मरतबा मतलब टू बी ऑनेस्ट ये किसी को भी समझ नहीं ये मसरूर मियां जो है इनके खलीफा जो है वो बेचारा मैंने उसे कह तो दिया है कि तुम दर्श दो तो मुझे पता है कि वो सारी जिंदगी नहीं दर्श दे सकते कभी भी इस चीज के बारे में लेकिन अगर हिम्मत कर लें अच्छी बात है इफ ही नीड्स एनी काइंड ऑफ ए हेल्प आई एम देयर आई विल हेल्प हिम आउट नो प्रॉब्लम फॉर दैट। मुझे पता है आप लोगों को अब मसला लेकिन खैर है मैं हाजिर हूँ कोई ऐसी बात नहीं, 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 जी, मसला यह है कि उनकी किताबें किसी की समझ में आ सकती नहीं है। यहाँ पे आपको इनके मुअल्लिमीन मुरब्बियान आपको मिलेंगे ठीक है यकीन कर लें वो बेचारे भी माजूर हैं इसको समझने से। उसकी वजह है कि कहीं तो उन्होंने एक ऐसी जुबान इस्तेमाल कर दी और कहीं पे कुछ इस तरह के मतलब वो फलसफे उन्होंने झाड़ दिए हैं कि बंदा सोचता है ये क्या कहना चाह रहे थे कि इसकी जिंदा मिसाल जो है ना वो ब्राहीन है उसके ऊपर एक लाइन है और नीचे सारा हाशिया है जी खुदाया बंदा क्या करे हाशिए से अगले हाशिए में जाए तो वहां पे भी एक लाइन ऊपर है किताब को पढ़े हाशिए को पढ़े किसको जहन में रखेगा क्या समझेगा जी। मिर्जा साहब की हाशियों वाली किताब पढ़ते मुझे पुराना लाहौर याद आ जाता है कच्ची गलियां बंद गलियां फंस ही जाता बंदा सैद बिठा याद आ जाता है एग्जैक्टली। अच्छा शेख साहब आपने कहा कि इनकी किताबें पढ़कर यार माजरा चाहता हूँ फारूक भाई क्रॉस रेफरेंस के तौर पर जरूरी समझता हूँ कि हमारे अहमदी हजरात जो है उनको रेफरेंस दिया जाए उनको बताया जाए ताकि वो समझें कि हम उनकी खैर खाई के लिए ही शेख साहब के जेर साया यहाँ बैठे हैं। ये किताब है करामत सादिकीन अरबी के अंदर है। आज ही हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक भाई ने ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं अरब में वो रहते हैं उन्होंने ये रेफरेंस भेजा और मुझे टैग करके कहा कि और दीगर दोस्तों को कहा कि यार इस बारे में आपकी क्या राय है। तो चूंकि अरबी की इबारत थी तो खाकसार टूटी फूटी अरबी जानता है तो शेख साहब वो मेरी नजर से गुजरी वो इबारत तो चूंकि वो रिलेट कर रही है तो मैंने सोचा उसको बयान कर दें। तो रूहानी खजाइन वॉल्यूम 7 पेज 127 एंड 128 मगर ये जो इबारत ये मैं पूरी इसलिए बता रहा हूँ कि सर जो लोग पढ़ना चाहते हैं मुकम्मल पढ़ लें। करामत सादिकीन तो पेज 127 का जो आखिरी पैरा है उसमें वो लिखते हैं वहाजा सिर्रुन मिन असरारिल्लाह ताला। वो कहते हैं हाजा सिर्रुन मिन असरारिल्लाह ताला ला यफहमुहु इल्ला मन काना मिनर रूहानियीन। कहते हैं ये वो सिर है जो अल्लाह के राजों में से है ला यफहमुहु इसको नहीं कोई समझ सकता इल्ला मिनर रूहानियीन जिनको रूहानी बातें आती हों। बस मतलब यानी मिर्जा साहब खुद इस चीज को कह रहे हैं क्या कभी किसी नबी ने कहा है कि मेरी जो तालीम है वो किसी आम बंदे को समझ आने वाली नहीं है। कभी किसी वो तो आती है आम बंदे को समझ आम बंदे को समझ जल्दी आती है। नबी की बेइज्जत का मकसद ही होता है कि वो लियुता बिज़निल्लाह ताकि काबिले तबा बने। अब एक बंदा कहे जी मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आनी
तो भाई फिर आप उनके लिए बन के आए ना जिनको आए समझ। डिमांड आप करते हैं कि जो नहीं मानेगा चाहे नाम सुना या ना हो वो दार सलाम से खारिज है, ये क्या, ये ऐसे ना करें। इसकी आसान सी मिसाल है अपना आमिर, इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक प्राइमरी के बच्चे को मतलब देखे ग्रेजुएशन या हाई स्कूल की कोई चीज उसको दे दें, कहें कि ये चीज तो उसकी समझ में नहीं आएगी, मतलब ऑब्वियस है वो उसकी फहम से उसकी अकल से दूर है, वो उस तक पहुंचा नहीं है, वो नहीं समझ सकेगा। अब ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक लोगों की तरफ अपना पैगंबर भेज रहा है, अपना मैसेज देके, अल्लाह ताला अपना मैसेज देके भेज रहा है और वो मैसेज जो है वो उन लोगों को समझ ही ना आए। अच्छा चले, ये इनके पास ये इसका एक्सक्यूज आ जाएगा, मैं मानता हूँ इस चीज के कि देखें जी वो भेजा ही इसीलिए गया कि ताकि ये पैगंबर मेरा जो है वो उन्हें बता दे। चले मान लेता हूं मैं इस बात को भी कि भाई रखा सामने चंद एक लोग थे, उनमें से उन्होंने कहा या ज्यादा नहीं या थोड़े लोगों ने कहा कि जी हमें समझ नहीं आया आप बता दें, तो उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके बता दिया और वो बात उनकी समझ में आ गई। अब आप ये देखें, आज 100 से जायद साल हो गए हैं मौसूफ को इस दुनिया से गए हुए, आ जहानी हुए हुए, ये आज तक उनकी सदाकत का, उनकी सदाकत कहां से पता चलनी है, इन 82-83 किताबों से, मतलब तो कोई और तो चीज नहीं है ना। मौसूफ की सदाकत का कि वो सही थे या गलत थे, जो उन्होंने अपनी कलम से तहरीर किया उसी से ही पता चलना है ना। ये आज तक उस चीज को सदाकत मसीह मऊद के नाम से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही थे। 100 साल से जायद उनको गए हुए हो गया, ये नहीं साबित कर सके ये आज तक। तो जो उन्होंने अपने उस वक्त के लोगों को बताई थी, मुझे उनमें से किसी एक बंदे का मिर्जा साहब के जो जिंदगी में जिन्होंने उनको माना, जिन्होंने मतलब उनसे सुना कि जी उन पे ये नाजिल हुआ और उन्होंने हमें बयान किया, जिस तरह यकूब अरफानी साहब लिखते हैं और दूसरे तीसरों ने लिखा हुआ ये चीजें, उनमें से किसी एक ने कोई एक किताब लिखी हो कि जी हजूर ने हमें जब ये बताया और इसकी ये तशरीह की और ये चीज हुई फलां ये वो, कोई उस पे आके आगे लंबा बता दें कि जी उन्होंने हमें ये कुछ बताया था ये कुछ हुआ, कोई ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी। अब हमारे यहाँ रवायात चलती हैं, मतलब जिसे हम हदीस के नाम से भी, तारीख के नाम से भी, रवायात के नाम से भी बातें करते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपने असहाब से बात की, वो आपको मुख्तलिफ असहाब के जरिया से मिलेंगी वो बातें। अब ये अलग बातें हैं कि बस लोग उसके अंदर जो भी अपना नज़रिया रखते हैं वो कहते हैं कि जी इसमें अल्फाज के आगे पीछे या अल्फाज की तब्दीली है, कहाँ पे कई अल्फाज है, किसी का कुछ लफज है, ये रवायात के बारे में। लेकिन जो कुरान अल्लाह के रसूल ने दिया वो एज इज आपके पास मौजूद है, उसके अंदर किसी सहाबा ने, किसी एक ने भी, ठीक है एक स्कूल ऑफ थॉट वो जो लेके चलता है, ऐसी बातें चलती रहती, लेकिन 99% जो आपके पास चीज है, अल्लाह के रसूल ने जो चीज दी हुई वो एज इज आपके पास मौजूद है। इन आला हजरत के सिलसिला ये है कि आज तक इन 82-83 किताबें आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपके सामने रख दी जाए, जैसा मैंने शुरू में कहा है कि ये जो मौसूफ इनके खलीफा साहब है, जो इनके नुमाइंदे हैं इस वक्त इस मतलब इनके मज़हब को या कल्ट को लेके लीड कर रहे, उस बेचारे को समझ नहीं आएगा कि जी ये क्या कहा इन्होंने, इसका मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। ठीक, सो सिलसिले ये है कि ये जो बातें यहाँ पे जो हो रही हैं, ये जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं,
हम कर रहे हैं। मैं इसी जमन में कहता हूं कि चाहिए ये कि अगर किसी ने काउंटर करना है ना, तो बजाय करेक्टर असैसिनेशन करने के कि जी शेख तो जवानी में ये था, तो फलां वक्त में ये था, तो ये तो जी हम इसे ऐसा कहते हैं वैसे कहते हैं, ठीक है जो जी में आए कहते रहे आप, वो आके ये कहें कि जी ये शख्स जो है ये जिसको जिस तरह से ये समझ रहा है और आपको समझा रहा है ये गलत है, इसका सही ये है। आके बड़ी खुशी से करें बात, वी विल वेलकम टू एवरीवन। अगर वो ये बात करें, किसी और तरफ ना जाएं, हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है, मिर्जा साहब ने जब ये कहा है कि मुहद्दसियत नबूवत नाक्सा है, कि वो जो फरमा रहे हैं और हम इसको मतलब जब आगे बयान करें इसके बारे में कि इससे क्या मुराद है, क्या ले रहे हैं, तो इसको चैलेंज कर दें कि नहीं जी ये जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, सही ऐसे है, दे आर मोस्ट वेलकम, पता चलेगा और इससे आपके एमडी लोगों को फायदा होगा, उन्हें पता चलेगा इस चीज का कि नहीं हमारे एमडी समझे हुए हैं सही, ये बंदा गलत समझा है। बड़ी अच्छी बात है, ये आपके लिए है और अकल की और इलम की बात है, जातियात की बात ही नहीं है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मिर्जा साहब जो लिख रहे हैं इससे मुराद ये है, इससे हमें ये समझ आई, आप कहें कि आप गलत समझे हैं, आइए यू आर वेलकम। मेरा ख्याल इससे आगे शुरू कर लें फारूक आमिर जी। शेख साहब जरूर आइए आगे चलते हैं, और इस हवाले से अगर खलीफा साहब दर्स शुरू करवा रहे हैं तो काइंडली उसकी एंट्री जो है चंदा के अंदर 2% या 20% जितनी बनती है वो भी पब्लिक को बता दीजिए, क्योंकि आखिर ये पब्लिक की जेब से होना है शेख साहब, ये अपनी जेब से नहीं होना। तो बहरहाल ये चीज भी है। चले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी चैनल पे टाइम दे दीजिएगा, दैट्स ओके, डोंट चार्ज एनीथिंग। या खलीफा साहब नहीं आएंगे, शेख साहब इधर नहीं आते, फारूक के पास नहीं आते। अच्छा चले जी आगे चलते। अच्छा जी, मुहद्दसियत नबूवत नक्शा है, ये तमाम अल्फाज हकीकी मानों पर महमूल नहीं है बल्कि सिर्फ सादगी से उनके लुगवी मानी के रूह से बयान किए गए हैं, वरना हाशा वकल्ला मुझे नबूवत हकीकी का हरगिज दावा नहीं है। अब ये लें शेख साहब एक और ये लें। अब यहाँ पे मेरे इंतहाई काबिल एहतराम एमती दोस्तों, मिर्जा साहब ने फरमाया है कि मुझे गैर हकीकी, यही है ना, मुझे गैर नबूवत हकीकी का हरगिज दावा नहीं है, मुझे नबूवत हकीकी का, थैंक यू, का हरगिज दावा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मिर्जा साहब एक गैर हकीकी, ठीक, या एक गैर हकीकी नबूवत का दावा कर रहे हैं जिसे नबूवत नाक्सा भी कहा जाता है। अब आप मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए कि कुरान की रूह से इस्लाम के अंदर जो किसी चीज को मानना लाजिम हो, या जो चीज हराम करार दी गई हो, या जो चीज फर्ज करार दी गई हो, क्या आप उसको कुरान से अखज करेंगे, अल्लाह के हुक्म से अखज करेंगे, अल्लाह के कलाम से अखज करेंगे, या आप दुनिया की किसी भी तहरीर से लेके उसको और कहेंगे जी मैंने ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मतलब आपके बुजुर्ग जो है वो फरमा रहे हैं कि नबूवत हकीकी का हरगिज दावा नहीं। अगर ये हकीकी नबूवत नहीं तो आप पर ये लाजिम कहां से आ गया, कौन सी कुरान की आयत है, कौन सा अल्लाह का हुक्म है, कौन सा अल्लाह का कलाम है जो आपको कह रहा है कि आपका मानना लाजिम है, जबकि इन मौसूफ बुजुर्गवार ने यह फरमाया हुआ कि जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है। बंदा खुदा मेरे दोस्तों, कहीं इधर उधर ना जाइए, कोई ना जाइए किसी का इम्तहान ले, अच्छा जी ये कुरान की जी फलां एक आयत मैं पढ़ देता हूँ, इसका तर्जमा कर दे और मैं कर देता हूँ वो कर देता हूँ। बंदा खुदा, ये हमारे उर्दू जुबान में बुजुर्गवार ने लिखा हुआ है, वो फरमा रहे हैं कि मुझे हकीकी नबूवत का हरगिज दावा नहीं है। वो भाई नहीं है तो मेरे पे मानना कहां से लाजिम आ गया। नहीं, एक चीज हकीकी नहीं है शेख साहब, रियलिटी में है, कहीं वर्चुअल रियलिटी में धक्के खा रही है, उसकी सजा हकीकी लोगों से को दे रहे हैं, चंदे हकीकत में खा रहे हैं, पैसे हकीकत में ले रहे हैं, सोसाइटी में एक डिवीजन हकीकत की बुनियाद पे इन्होंने जनाब एक गैर हकीकी चीज की बुनियाद पे एक हकीकी मुआशरे के अंदर दरार पैदा कर दी इन्होंने।
हकीकी रिश्ते थे, एक हकीकी उम्मत थी जिसको तोड़ के मिर्जा साहब दो टोटे करके जनाब अपने जाग उसे कब्र में और हकीकी दुनिया में स्यापा डाल गए और खुद गैर हकीकी है। नहीं लोगों मतलब इसी तरह से है कि आकबत बर्बाद ईमान या आखरत। मैं शेख साहब अगर इस हवाले से मैं सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ इसको दुनियावी मिसाल से समझाऊं तो ये आजकल की जनरेशन बहुत खूब अच्छे से समझती है ये 3D प्रिंटर्स और वर्चुअल रियलिटी इन चीजों को। अब मुझे आप बताएं कि आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक गेम खेल रहे हैं या कोई ऐसी चीज खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपको कहा जाता है एक करेक्टर है कि जी ये गेम खेल रही हो तो इसको मारो तो उसको मारो, आप गन उठाएं और आप जाके हकीकत में अपने दो रिश्तेदार फड़का दें, कोई आपको सेंसिबल बंदा कहेगा? कि कमांड्स आपको मिल रही हैं एक गैर हकीकी चीज की तरफ से जिसका दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट लाइक दिमाग का ख्याल है या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है और आप उठ के उसको हकीकत पे इंप्लीमेंट करने चल पड़े हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा माजरत के साथ। नो फारूक तुमने बड़ी अच्छी बात कर दी और आज के दौर के लोगों के समझाने के सिलसिले में जो गेम्स का रेफरेंस लेके कर दी बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं आज अकल का कौन अंधा है जो आपके हाथ में पिस्टल तो सही रियल पकड़ी हो और उसके अंदर गोली भी रियल हो और आप कहें मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन तुमने यही प्रटेंड करना है मुझे गोली नहीं लगी तुम मरोगे नहीं। शेख साहब वो पहले मेरे मारेगा दो कांधे थन्ने थे मैंने कहेगा चल अपना इलाज करा के आ या ये कि मैं तुम्हें इस तारा के रंग में गैर हकीकी गोली मारूंगा और तुम्हें तो निकलना चाहिए और तुमने सही मरना है मर जाओ और ये खून निकलना चाहिए तुम्हारा तौबा ये अगर आमिर तुम अगर अपने जो कि तुम मुझसे बेहतर बयान कर देते हो ये अगर बता सको इनको कि जब वो फरमा रहे हैं कि नबूवत हकीकी का दावा नहीं है इन अहमदी हजरात से तुम अपनी जुबान में ये उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दो कि बंदा खुदा इस चीज पे थोड़ा सा गौर कर लो, जब है ही नहीं तो फिर आपका मानना और फतवे देना और बाकी मुसलमानों को जी ये फला है ये नहीं है ये जहन्नमी है ये हमारे बहन किस लिए ये सारी ये? अभी जो फारूक ने बात की है ना कि ये जो तकसीम तुमने की है क्यों की इस पे थोड़ा सा जरा अगर आप जी मैं बड़ी बड़ी जबरदस्त आपने भी बात की और फारूक भाई ने भी बड़े अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है कि गैर हकीकी बुनियाद के ऊपर आप हकीकी मामलात लेकर चल रहे हैं। इस हवाले से मैं शेख साहब एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ जो कि जमात अहमदिया के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनकी गुत्ती में और उनके खाने में सुबह शाम जो है ना वो कैप्सूल के तौर पर दी जाती है। वो सही मुस्लिम की रिवायत है तो जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आने वाला जो है वो नबी अल्लाह होगा। ये एक एक जुमला है जो रटाया जाता है आने वाला नबी अल्लाह 12 बार कहा गया 16 बार कहा गया 10 बार कहा गया नबीउल्लाह फिर बताते हैं कि उसके साथ अल्लाह ने कलाम भी किया वही भी आई। मेरा सवाल ये है आप मिर्जा साहब के नबी अल्लाह होने का इस्तदलाल सही मुस्लिम की रवायत से करते हैं, अब वो जो नबीउल्लाह जिसको कहा गया है इस्तदलाल आप हकीकी नबी अल्लाह का कर रहे हैं है? जिसका नाम 12 बार और 10 बार नबी अल्लाह कहा गया है जो कि मुद्दई है वो कह रहा है मैं हरगिज हकीकी नबूवत को वो हकीकत पे नहीं खड़ा। इस्तदलाल आप मेरे अहमदी भाइयों हकीकत का कर रहे हो सही मुस्लिम से और जो मुद्दई है वो कह रहा है मैं हकीकी नहीं हूँ, कितना एक तजाद है कितना। तो शेख साहब इसको इस तरीके से भी इनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही इस्तदलाल देख मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ क्योंकि इमाम गजाली को मैं पढ़ता रहा हूँ वो इंटरनल क्रिटिसिज्म के कायल थे। इमाम गजाली कहते थे कि दावा दलील इस्तदलाल दाल और मदलूल, इसकी बहस को अगर कोई इंसान समझ जाए ना तो वो कभी मंतकी मुगालते के अंदर मुब्तला नहीं हो सकता। ये जी लॉजिकल फैलेसी में वो गिरेगा। अच्छा तो वो ये कहते थे कि देखें दावा मिर्जा साहब का है गैर हकीकी नबूवत का, इस्तदलाल हो रहा है उन दलाइल से जो हकीकी नबूवत पर दलालत करते हैं चाहे वो कुरान हो चाहे हदीस हो, ठीक है ना, चाहे मकान नबूवत साबित करते हैं इजराए नबूवत साबित करते हैं इल्हाम वही साबित करते हैं वो सारे दलालत किस पर करते हैं हकीकी नबूवत के ऊपर और दावा क्या है गैर हकीकी का, ये मंतकी मुगालता है इलॉजिकल एंड इरेशनल कि आपका दावा गैर हकीकी और दलीलें हैं हकीकी। और आगे मुसीबत ये है ना कि जाके से आगे जाके लफ्जों से ये खेले हुए हैं और जो कुछ इन्होंने ये कलाबाजियां लगाई हुई हैं और वो बताएंगे
کہ دیکھیں جی اس وقت تک ان کا یہی تھا, پھر جب اللہ نے بتا دیا, پھر جب یہ ہو گئے, جب وہ ہو گئے. اگر تھوڑا سا بھی بندہ عقل رکھتا ہے نا, تھوڑا سا بھی کامن سینس کو یوز کر لے اور خاص طور پہ احمدی حضرات تھوڑی سی زحمت کر لیں کہ بھائی اچھا میں دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں کہ یہ چیز ہے کیا ہے, یہ کیوں کی ہے. شخصیت کو چھوڑ دیں, شخصیت کے اگر آپ پیچھے جائیں گے تو دیکھیں, میں ٹو بی آنیسٹ ود یو, آپ کا بہت برا حشر ہوگا اگر شخصیت پرستی پہ جائیں گے. شخصیت پرستی کا عالم یہ ہوتا ہے, یہ بہت اچھی اچھی شخصیتیں ہیں, اگر آپ ان کی احترام کریں, عزت کریں, اپنی جگہ برقرار ہے. لیکن وہی چیز اگر آپ ان کو پوجنا شروع کر دیں اور آپ ان کو لا کے سامنے, تو آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. جیسے بین ہی کہ ایک پتھر ہے, آپ اسے بیت الخلاء میں لگاتے ہیں اور وہی پتھر جو ہے اس کو آپ اپنا دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں. سوال آپ کے ذہن کے اندر کا ہے کہ آپ نے اس کو سٹیٹس کیا دیا ہے. آپ شخصیت کو چھوڑیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا کہ کلام قرآن آپ کے پاس ہے, آپ اس کو لے لیں, کیا وہ اس چیز کی اجازت دے رہا ہے, کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر حقیقی, حقیقی میں نے کوئی غیر حقیقی بھی نبوتیں بھیجی تھی. یا تو کوئی ایک مثال دے دیں مجھے, اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے, تو حضرت ہارون جو تھے وہ غیر حقیقی نبی تھے, تو دلیل تو آپ کو دینی پڑے گی نا, کہیں حوالہ تو دینا پڑے گا نا کہ کہاں لکھا ہے کہ غیر حقیقی تھے. سلسلہ یہ ہے کہ اپنے پاس سے اس طرح کی باتیں تصورات میں لے کے لا کے ان کو لوگوں کے سامنے اس طرح رکھنا کرنا, یہ تو مطلب آپ کی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. ٹھیک, اور آگے ساری تحریر جو ہے وہ سارا واضح کر رہی ہے. آگے جی آئیے تھوڑا سا اور آپ کو سیر کرواتے ہیں عامر بھائی, آگے مرزا صاحب کی آپ کو مزید کلا بازیاں دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے بیان پہ بیان کیسے بدلتے ہیں ایک ہی تحریر میں. اچھا جی, بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ حام کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں, میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. آپ ورڈز نوٹ کرتے جائیے, خاتم الانبیاء ہیں. سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت. اچھا اب اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ایک نبی کہہ رہا ہے, اب لوگوں نے ڈرایا ڈرویا تو ڈر گیا اور ڈر کے کیا لکھ رہا ہے. سو میں مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں, لوگوں کی ناراضگیوں پہ چل رہا ہے, خود کو نبی کہنے والا لوگوں کی ناراضگیوں پہ چل رہا ہے, ناراض ہیں اور ان کے دلوں میں یہ الفاظ شاک ہیں, اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں, تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں, کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے. جس حالت میں ابتدا سے میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے, اس لفظ نبی سے مراد حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف محدث ہی مراد ہے, جس کے معنی آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلم مراد لیے ہیں. آئیں جی اب یہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے فاروق کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, یہاں پہ وہ بات فرما رہے ہیں نا, بہت سی ایک دو چیزوں کو اس طرح سے کہانی وہ انہوں نے بنائی ہے کہ بھائی رسول اللہ نے باقاعدہ اس چیز کو تشریعاً بیان کیا ہوا ہے, فلاں کیا ہوا ہے. حالانکہ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں جو بھی لکھنے والا شخص ہے وہ خود ہے. رسول اللہ کے کہیں پہ بھی ایسی تشریح جو ہے نا نہیں, وہ منسوب کی جاتی ہے ان کی طرف, اور جو چیز رسول اللہ کی طرف منسوب کی جائے اس چیز کا ریفرنس قرآن کے اندر ہونا ضروری ہے. کہ رسول اللہ مطلب قرآن کی بیس جو ہے, اس کی فاؤنڈیشن سے آگے بات مطلب اپنی امت کو بھی جو کچھ بتایا, وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اسی کی تشریح وہ کریں گے, اسی کی بات وہ کریں گے. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی رسول اللہ نے بھی اس طرح سے اس سے جو مکلم مراد لیے ہیں, یہ ساری سلسلہ, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی ان لفظوں سے ناراض ہیں, ان کے دلوں میں یہ الفاظ شاک ہیں, اور ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں. اب آپ مرزا صاحب کی طرف سے لفظ محدث سمجھ لیں, ٹھیک ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کہے وہ شخص اس میں
تحریف و ترمیم خود کر سکتا ہے کوئی؟ کیا اللہ کا کوئی نبی بھی کر سکتا ہے؟ نیور. تو مرزا صاحب کے پاس یہاں پہ جو ایک اختیار سے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کچھ ناراض ہو گئے ہیں, یہ چیز پسند نہیں فرما رہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اسے چھوڑ دیں, بدل آپ اسے بدل لیں جی میری طرف سے. چلے آپ کو میں آگے چل کے وہ جو لکھ بھی رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آئی تھنک کے سوال ہے. جی جی عامر, جی عامر بھائی, دو باتیں کرتا ہوں. ایک میں احمدی حضرات کے بحاف کے اوپر ایک سوال رکھ دوں گا, جو اعتراض ابھی اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیوں ایسے کیا, تو کہیں احمدی حضرات یہ نہ کہیں کہ یار ہماری رہنمائی اور ہماری ترجمانی نہیں کوئی کر رہا, تو میں ان کی ترجمانی نہیں کر دوں گا. ہاں ان کی طرف سے کر دوں گا. پہلے وہ ایک بات پر رکھ لیتا ہوں, یہ جو شیخ صاحب آپ نے کہا ہے نا کہ نبی اپنی بات سے پیچھے ہٹا اور اس نے کہا لوگوں کی ملامت کو یا لوگوں کی ناراضگی کو یا ہاں لوگوں کی ناراضگی کو دیکھ کر اس نے اپنے اندر جو ہے تغیر کیا. یہ گرداسپور کا مجسٹریٹ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ کمپلین رکھی گئی دفعہ غالباً 107 لگا کر مرزا صاحب کے اوپر, پیش گوئیوں والی. جی پیش گوئی, ایگزیکٹلی, یہ مر جائے گا, موت کی, یہ مر جائے گا, وہ مر جائے گا, یہ مر جائے گا, وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب ریٹرن دیا تھا کہ میں آئندہ سے نہیں کرتا. جی انہوں نے توبہ, انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, پھر یہ کہا کہ حسین بٹالوی کو آج کے بعد میں کافر نہیں کہوں گا. جی یعنی مجھے یہ بتائیں کہ جو الہامات اللہ سے پا کر کوئی کر رہے ہیں, ان کا نام جو ہے مطلب وہ توئے کے ساتھ بطالوی بھی نہیں لکھوں گا. جی 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 بطالوی بھی نہیں لکھوں گا. یعنی یہ گرداسپور کے مجسٹریٹ کے سامنے ایک غیر حقیقی نبی صاحب نے جو ہے نا وہ الہام پا کر جن لوگوں کے بارے میں ان کے عذاب کی پیشین گوئیاں کی تھیں ان سے رجوع, ایک نبی اپنے اس الہام اور منہج سے رجوع کر رہا ہے. مثلا احمدی حضرات ذرا یہ ایک فوڈ فار تھاٹ آپ لیجئے کہ آپ ذرا غور تو کریں کہ ایک نبی مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اپنا موقف بدل دیتا ہے. نبیوں کی تو ہم نے اللہ میں نے کل پروگرام کیا, نبیوں کی تو گردنیں اڑا دی گئیں, شہید کر دیا گیا, وہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ لا نخاف من لومات لائم کے اصول پر چلتے تھے کہ ہم تو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. ایک یہ چیز. اب شیخ صاحب میں اب آپ سے معصومانہ قسم کا, آپ نے کہا جی دیکھو انہوں نے کہا کہ ترمیم شدہ کر لیا جائے, اب کوئی احمدی بھائی یہ نہ کہیں کہ بھائی دیکھو ہماری ترجمانی نہیں کی. شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بابت کہ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا کر سمجھ گئے ہیں انہوں نے بھی تو لکھا تھا نا. very good. بات یہ ہے, آئی وش کہ صورتحال وہ ہوتی تو میں یہ کچھ صورت مان بھی لیتا, بات کر بھی دیتا. یہ ایک ایسی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ خیر میں کسی کے بارے میں کوئی ایسے لفظ نہیں کہنا چاہوں گا, وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریکوگنائز ہی نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمارا ایک معاہدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کے درمیان طے پا رہا ہے. آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ اپنے جو ماننے والے ان کے لیے, ہمارے لیے تو نہیں ہیں. آپ جب ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو آپ کو محمد بن عبداللہ ہو کے کرنا ہوگا. ہم اللہ کے رسول کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اس چیز کو کیٹاگوریکلی. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے اس چیز کو تسلیم کیا, دس از دا گریٹ ٹیسٹ, کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں چونکہ میں ہوں اور میں اس لیے میں سے سٹیٹس چھوڑوں گا نہیں چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے. تو انہوں نے مطلب اس چیز کو, یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ ناراضگی کا, لوگوں کی ناراضگی جس کے ساتھ آپ نے ملایا ہے یا جس سے ملانے کی آپ نے کوشش کی یا ان کے ساتھ وہی میں ترجمانی کہہ دیا نا کہ وہ جو کی ہے, یہاں پہ ان کو اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے. مرزا صاحب کو یہاں اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے. نیچے جا کے وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس جگہ لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما کے محدث کروا رہے ہیں کہ یہاں سے میری جان بچتی ہے. وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ چیز مت بھولیے
कि अल्लाह के रसूल ने ये बात क्लियरली की हुई है कि जहां तक अल्लाह के बात करते हो, अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के मैसेज की, अल्लाह का पैगाम है, आप एक हाथ पे सूर्य रखो, दूसरे पे चांद रखो, नहीं हटूंगा उसी चीज पे कायम। जहां पे वो बात आई है वहां पे अल्लाह का रसूल जो है डट के खड़ा है, बेशक। लेकिन यहाँ पे जो चीज मैच नहीं कर रहे, मिर्ज़ा साहब तो जूते छोड़ के भाग गए, ग्रेटनेस का मजारा कर रहे हैं अपनी। आप अंदाजा करिए कि दुनिया का द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दुनिया रिकॉग्नाइज करती है उस हवाले से, इफ आप द जो है ना 1000 बेस्ट वाले, जो 100 बेस्ट हैं, जो भी 100 बेस्ट इन्फ्लुएंशियल, उसके ऊपर नंबर वन पे ये चीज आती है, नो डाउट। सिलसिला ये है कि हमेशा एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, ये दाल चावल मिक्स नहीं होने चाहिए कभी भी। मैं आई एम सॉरी, आपने चूंकि अहमदियों की तर्जमानी की थी तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जहां पे ये चीज आएगी, जहां पे अल्लाह की जात ने एक बात की हुई है, जब इख्तियार ही नहीं है, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, मतलब हु आर यू कि जी आप कहो कि मैं नबी नहीं हूं, मैं अच्छा ये बन जाता हूँ, मतलब अपनी जान बचाने, ये होगा सिर्फ आपका अगर उसी नबी के अतात में, उसी नबी की मोहब्बत में आप नबूवत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो ये भी सोचना चाहिए था कि उस नबी ने क्या कहा था। उसने कहा था रखो एक तरफ चांद एक तरफ सूरज, फिर भी नहीं हटूंगा, जो इम्पॉसिबिलिटीज हैं। शेख साहब यानी के माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, दावे से दस्तबरदारी वाला तो कोई मामला ही नहीं। पहली तो बात ये है, देखें शेख साहब इस हवाले से पहली मैं ये बात करूंगा, अब मैं सिर्फ इसमें कोई तहकीर वाला नहीं है, लेकिन वो पंजाबी में हमारे एक चलती है ना मिसाल के, जात दी कोड़ किली तो छतीरन जफे। पहली तो बात यह है, बड़े एहतराम से बड़े अरसे, ये चूंकि अब पब्लिक पंजाबी है, ये सारे भी पंजाबी है कादियानी, ये समझते हैं। पहली बात यह है कि यार मिर्जा साहब का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। आप नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब का तो कंपैरिजन किसी, मेरे ख्याल में तो किसी, वो तो अपना खुद कंपैरिजन किन से करते हैं, कभी मौलवियों से करते हैं, कभी शायरों से करते हैं, कभी किससे, तो जब वो खुद और फिर वो लिख रहे हैं भाई मेरा कंपैरिजन किसी से ना करें, मुझे ना किसी के बराबर रख के परखें, मेरी किताबें पढ़ें, इन्हीं में से छान लें मैं क्या हूं। अब आते हैं अगली बात के ऊपर कि चलें अब इन्होंने झगड़ा ये डालना ही है, आमिर भाई ये सवाल करना ही है, तो बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम वहां अपने दावे से दस्तबरदार नहीं हुए, सिर्फ अपना जाती नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहां पे लिख दिया, दैट्स इट। अगर दावे से कोई इस तरह का मसला, मिर्जा साहब तो बात बात पे कभी डर जाते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी कहते काटा हुआ लिख लें मुहद्दस, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पूरी जिंदगी के मुझे मुहद्दस तसव्वुर कर लें या कुछ गैर हकीकी या ये वो, नहीं ये नहीं है, सिर्फ उनको रसूलुल्लाह लफ्ज आगे नहीं सही था, तो जिस तरह एग्रीमेंट होना था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। नहीं वो मुआहदा ही फारूक, मुआहदा ही चूंकि उनके दरमियान जैसे दो कबाइल के अंदर था, इस तरह दो उनके हो रहा है, तो वो हो रहा है वहां पे। अगर ईमान की या हमारी इस ये दावत की बात होती ना तो फिर बात थी, वो तो सिलसिला ही नहीं था उसके साथ। मैंने कहा ना कि वो चीज कंपैरिजन बनता ही नहीं है वहां के साथ। जी बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा यह कि मैं एक जुमला मुझे याद आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रदीफ काफिया मिलाकर एक जुमला कहा था गज़वा उहद के दरमियान जब ये टूट पड़े, तो उस वक्त भी नबी ने बावाज़े बुलंद तलवार लहरा कर कहा था कि अनन नबीउ ला कज़िब वना अबनु अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं वो नबी हूं कि झूठ नहीं बोलता, मैं अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से। तो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमाम इब्ने जरह अस्क़लानी ने भी इसको फतुल बारी में भी जिक्र किया, सीरत की तमाम किताबों में इसको जिक्र किया हुआ है, यानी वो नबी तो मैदान जंग में भी कहते थे कि मैं नबी हूँ, ये नहीं कि तलवारें जो है सौंती हुई और तलवारों की छन छन आई है तो जनाब यार को उसको तरमीम शुदा मान ले। बहुत शुक्रिया जी, आप उसमें सिर्फ यही रखते हुए इन्हीं को आगे तो जो बात की है ना कि जिस हालत में इब्तदा से मेरी नियत में जिसको अल्लाह जल्ल शान खूब जानता है कि इस लफ्ज नबी से मुराद नबूवत हकीकी नहीं है बल्कि सिर्फ मुहद्दस मुराद है, तो सवाल यह है बुजुर्गवार से, सिर्फ मैं एक अर्ज रखूंगा एमडी दोस्तों के लिए, तो आपको जरूरत क्या थी, आप सीधा ही लिख देते, आप ये लिखने की क्या जरूरत थी, जब आप कहते अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, तो बंदा नवाज आप भी तो जानते हैं ना अपनी नीयत को, तो आपके कलम से वही बात निकलनी चाहिए। आपने इसको मुबम क्यों बनाया, आप इनमें इसमें मुबालगा राई और ऐसा इबहाम क्यों पैदा किया, आपको ये चीज तो पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी ये चीज बुनियादी तौर पर। ये पता क्यों होता है इंसान जुमानी या इबहाम वाली बात ये करता है कि अच्छा ये ना तरीका चला तो ये चल जाएगा, तो मैं उस ये चीज ये शेख साहब ये वाली गेम जो है ना यहाँ
ये मीडिया बरादरी के अंदर बड़ी चलती है, ये जितने भी एंकर्स और ये वो जो ये मेरे तबके के भाई हैं ये सारे जानते हैं कि ये गेम बहुत चलती है कि जब कोई इस तरह का मामला सेंसिटिव चल रहा हो ना, जूम आनी बात कर दो ताकि पीटीए अगर कोई पाबंदी डालने भी लगे तो गेम इधर उधर करके निकल जाएंगे, कहेंगे ओ यार मेरा ये नहीं मेरा वो मतलब था। तो हक, लेकिन हक हक के कहते हुए ये सिलसिला नहीं चलता, हक में डेफिनेटली कॉलम सदीदा होता है, ये है कि नहीं, सिंपल इज दैट। बिल्कुल, चले जी चले जी इसको एंड करते हैं, इसको बस एंड करते हैं, उसके बाद कॉल लेते हैं। आखिरी बात भी वही लिख रहे हैं अरबी की सारी वो कोट करके, तो उसके बाद लिखते हैं कि जी बाबे मनाकब ने तो फिर मुझे अपने मुस्लिम भाइयों की दिलजोई के लिए दिलजोई के लिए इस लफ्ज को दूसरे पैराया में बयान करने से क्या उजर, नबी की बजाय मुहद्दस का लफ्ज हर जगह समझ ले। फिर वही बात है, अल्लाह ने आपको काटा हुआ ख्याल, अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, अब आप अल्लाह को पीछे डाल रहे हैं कि अल्लाह इज माई आई एम सॉरी माज अल्लाह कि अल्लाह इज माई सबॉर्डिनेट, अल्लाह इज फॉरगेट इट अबाउट अल्लाह, अल्लाह इज माई सबॉर्डिनेट। ओके, आप ऐसे करो, मुझे आप ज्यादा पसंद हो, मुझे आपकी खुशनुदी ज्यादा पसंद है, सो लिहाजा आप लफ्ज नबी को काटा हुआ करें और उसकी जगह से बहुत या खुद आया। मैं क्या शेख साहब, मैं जी फरमाए शेख साहब। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, मसलन जो अल्फाज है यानी उनकी दिल जोई के लिए या मरम रखने के लिए कहते हैं ख्याल कर लो, यानी आप भी ख्याल ही कर लो। आप वाकई वेरी इंटरेस्टिंग बात है शेख साहब, आगे भी जी जी कि यानी आप भी ख्याल कर लो बस, यानी इतना इजी लिया हुआ है, यानी ये चूंचू का मुरब्बा और जूतों में दाल शायद नाउज बिल्ला बट रही है, नबूवत को टगा टोकरा कर दिया है, कहते हैं जी आप भी ख्याल कर लो। यार कम ऑन, अल्लाह पर अल्लाह के बारे में आप कह रहे हो इल्हाम करता है तो बस सारे ख्याल करते रहो बैठ बैठ के घरों में, मतलब जब हर चीज है ही इस तारा के रंग में, ख्याली तसव्वुराती मेटाफोरिकल चीजें हैं, मतलब गैर हकीकी वो बात करते चले आ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ वो ही रह जाएगा, एक ही रह जाता है कि गैर हकीकी को आप हकीकत में क्यों तब्दील कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि गैर हकीकी है तो गैर हकीकी का मानना क्या लाजिम है। इसी पे रखते हुए इस बात को ये रखें, किसी लें जी कॉल्स लें इनके ऊपर इनको, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज चले जी आ जाए जी कॉल्स के ऊपर, लिंक नीचे जा चुका है, जिस किसी ने कॉल पे आना जल्दी से आ जाए। अच्छा फुरकान भाई क्या सवाल है आपका, लिखें जरा जल्दी से, लिख दें आप, लिख दें आप सवाल के सेक्शन में सवाल किया करें। अच्छा इस हवाले से ना शेख साहब मेरे ये भी जहन में आ रही थी बात, एक तो ये है कि पब्लिक को भी चूना ही लगाया है हर मामले में मिर्जा साहब ने, कि अगर काटा हुआ ख्याल किया तो उसमें भी कह रहा है मैं थोड़ी दिलजोई वास्ते किया, ये मकसद है कि फिर अगर कहीं पलटना हुआ तो कहूंगा ये तो आपकी दिलजोई के लिए किया था लेकिन अल्लाह ने अब चूंकि मुझे दोबारा स्ट्रेस दे के कहा है तो मैं फिर ना वापस आ रहा हूँ उसी बात। अच्छा तो आखिरी बात ये कि जी कंक्लूडिंग बात यह है कि इस पूरी कोई भी न्यूट्रल शख्सियत इस चीज को पढ़ के समझ के शेख साहब इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि ये शख्स एक एथियस्ट था, इसको खुदा से कोई वास्ता नहीं था, ये अपने मतलब के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल करता था, दैट्स इट, दैट्स ऑल। जी अमर भाई, मेरे दिन में जो एकदम बात आई थी वो ये थी कि ना ये अभी जो दिल जोई से आया ना मुझे एकदम याद आ गया हवाला, मैं निकाल भी लूंगा अगर किसी, मैं सिर्फ इशारतन बता देता हूँ अगर किसी को चाहिए हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है अपनी नौयत का मगर उसको मैं बयान कर देता हूँ। वो ये है कि सर सैयद अहमद खान जो हैं अलीगढ़ वाले, उनके ऊपर एतराज करते हुए तकरीबन कोई 50 सफों का हाशिया लिखा है इन्होंने अपनी एक किताब में कि सर सैयद अहमद खान से मुखातबत, उस सर सैयद अहमद खान पर एतराज करते हुए शेख साहब बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ये, जरा तो आपकी सही होगी शेख साहब, सर सैयद अहमद खान की फिलॉसफी और उनकी नेचरी फितरत के ऊपर एतराज करते हुए ये कहा है कि आप सिर्फ मगरिब को खुश करने के लिए और गैर मुसलमों को और जिद्दत पसंदों को खुश करने के लिए वो तावीलें कर रहे हैं कि ताकि वो राजी हो जाएं, जबकि अल्लाह आपसे ये तकाजा करता है कि हक का साथ ना छोड़ें। एग्जैक्टली सर सैयद अहमद को कह रहे हैं, अब मिर्जा साहब यहाँ मुसलमानों को खुश करने के लिए हकीकत का साथ खुद छोड़ रहे हैं, उधर सर सैयद को कोस रहे हैं जी, ठीक है 50 वर्के लिख छोड़े कि आप सच बोले आप टेंशन ना ले, आगे फिर पता है कहते हैं, कहते हैं आप ये डरते हैं कि शायद इस्लाम की तालीमात जदीद दौर के साथ मुताबिकत ना रख सकेंगी, कंपैटिबल ना हो सकेंगी, अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये सर सैयद को मतें दे रहे हैं कि आप ये जनाब आप इस तरीके से चले, मगर अफसोस के मिर्जा साहब जब आपकी बारी आई तो जब वक्त क्याम आया तो आप सजदे में भी नहीं गए, माजरत के साथ मेरे अहमदी भाइयों मिर्जा साहब तो लंबे ही लेट गए हैं, अल्लाह ही आपसे कप्तान ये जी सियासी सी बात है लेकिन याद आ गई, कप्तान झुकता नहीं सीधा लेट ही जाता,
ये मिर्जा साहब झुकते झुकते नहीं है फिर, ये सीधे लेट ही। बहरहाल चलें जी, आए जी कॉलर्स की तरफ आ जाते हैं। हसीब ख्वाजा एडवोकेट साहब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई। शेख साहब बड़ी खुशी हो रही है, आप एक तो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ, तो अपनी सेहत का हमारे रिक्वेस्ट है कि ख्याल रखें, बाकी तो अल्लाह मियां अब बड़ा करम करता है। अच्छा अब बात यह है कि मैं एक बात बहुत अच्छे से करना चाह रहा था, पर आज वो मौजू शुरू हो गया, इसी मौजू के अंदर ही रहते हैं। वो अपना वो बात यह है कि आमिर अख्तर फारूक साहब, आप तमाम हजरात, आपको तो मिर्जा साहब की बातें समझ में ही नहीं आई भाई। ये समझने वाली बातें हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। हम आपका जो है ना वो मयार ही नहीं है कि हम मिर्जा साहब की बातें समझ सके, वो इंसानों की समझने की बातें ही नहीं है जो समझ सके। मिर्जा साहब ने तो मुखातिब ही उनका कोई गैर मराई मखलूक है उसके अंदर, या जूज माजूज के लिए नबी बात तो है ही। अच्छा अब दूसरी एक बात, मैं एक बिल्कुल आमिर भाई अब ये तवज्जो से बड़ी एक चीज है जो मैं आपको स्पेशली आपको, मुझे इसका फिक्र के अंदर मुझे नहीं पता इसका अल्टरनेट क्या है, और ये मैं बात अहमदी बुकला से स्पेशली जो कानून के प्रोफेशन से मुंसलिक है उनसे मुखातिब हूं। एक चीज है जो जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानून की तशरी। हमारे आईन के मुताबिक कानून की तशरी करने का मजाज जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और कोई कानून की तशरी नहीं कर सकता। देर आर सर्टेन प्रिंसिपल, अभी मेरे हाथ में जो स्टूडेंट बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सर्टेन प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन, कानून की तशरी करने की क्या क्या प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल है उसको कहते हैं गोल्डन प्रिंसिपल या कार्डिनल प्रिंसिपल। अब गोल्डन प्रिंसिपल और कार्डिनल प्रिंसिपल के अंदर आप अगर रखें, ये बिल्कुल मैं आमिर अख्तर बिल्कुल आप तवज्जो जी जी, मतलब जो है जो कानून है वो ये अना खातिमुन नबीयीन फला ला नबी बादी, ठीक है, अना खातिमुन नबीयीन जो है वो दैट इज द लॉ। अब आप खातिम लफ्ज का मतलब क्या निकालेंगे, ये आपको मतलब बताया जा रहा है ला नबी बादी। नाउ वेयर, अब इसको आप टेस्ट करेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल में। मैंने इसके वो आपके लिए एक वो इसी किताब से जो जहां से मैं पढ़ रहा हूं, मैंने इसके वो भी तैयार करके रखे हैं, मैं आपको वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एनीवे कार्डिनल प्रिंसिपल के अंदर आप जब लेके आते हैं इसको परखते हैं इन अल्फाज को, तो कार्डिनल प्रिंसिपल कहता है स्टैट्यूएट विच इज कंप्लीट टू बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टर्म्स एंड नॉट विद रेफरेंस टू अनदर स्टैट्यूएट टू व्हिटल डाउन द बेनिफिशियल प्रोविजंस ऑफ द फॉर्मर। ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्डिनल प्रिंसिपल के मुताबिक, यानी कि आपने अल्फाज सिर्फ वही पढ़ने हैं और उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं लेके आनी, और उन्हीं अल्फाज से ही मतलब निकालना है उसका। आप यहां पे आपके तमाम इस्तदलाल खत्म हो जाते हैं, खत्म खत्म सारे इस्तदलाल। और इसकी बहुत रूलिंग्स हैं बिल्कुल इस प्रिंसिपल की, कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पाकिस्तान इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने, क्योंकि इसी तरह से कानून को परखा जाता है। तो जब आपका कार्डिनल प्रिंसिपल बोलता है कि आपने दूसरे लफ्ज को नहीं लेके आना, अब ला नबी बादी में किसी जिल्ली बरोजी किसी उम्मती किसी फोटोकॉपी नबी कोई, अब तो एक गैर हकीकी नबी एक नई चीज आ गई, कोई इस्तलाह की है, कोई किसी किस्म की सराहत की है, जब नहीं की है तो आप नहीं ले ला सकते उधर। यानी कि खातिम लफ्ज का मतलब ला नबी बादी के अंदर लिखा हुआ है और एक साथ एक स्ट्रेच में लिखा हुआ है। ये तो कानून में दान हजरात हैं जो बुकला हजरात वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इस वक्त। बड़ी जबरदस्त ख्वाजा साहब, मैं सॉरी आपकी बात, ये नाजरीन के लिए आसान कर, ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल की आपने तशरीह की है उससे ये चीज समझ आती है कि जो डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशंस है जिसमें जो बातिल तावीलात हैं उनको उन लूप्स होल को बंद कर दिया जाता है इस प्रिंसिपल की बुनियाद पर। ये बड़ी अच्छी आपने तवज्जो दिलाई और सारी बेस इस पर करेगी दलील कतई का इस्तेमाल। अब इससे आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर मकसूद होता
अप के इसके अंदर से किसी किस्म की दूसरा रास्ता निकाला जाता है, जिसको एक्सेप्शन प्रिंसिपल बोला जाता है, कि एक्सेप्शन भी है इसमें रूल कि नहीं, इसके अंदर एक गुंजाइश उम्मती की भी है, तशरीही की भी है, तो वो रूल जो है उसी के साथ ही डिफाइन होना चाहिए था। जब नहीं किया रूल के साथ, उसी के साथ डिफाइन उस कानून के अंदर, तो लानबीवादी अल्टीमेट कानून रह गया, उसके आगे कोई चीज आप ऐड नहीं कर सकते। अब आप देखिए, जब भी ये खातिम लफ्ज का मतलब निकालते हैं तो इतने इस्तदलाल लेके आते हैं, इतनी कहानियां हम सुनते हैं, और वो वाली बात मैं फिर दोहराऊंगा, वो मिर्जा साहब कभी किसी दरख्त लटक जाते हैं, कभी किसी दरख्त लटक जाते हैं, और कभी किसी दरख्त लटक जाते हैं जंप लगा के, जबकि कार्डिनल प्रिंसिपल बोल रहा है कि आपने उन अल्फाज से हटना ही नहीं है, उसके ऑर्डिनरी मीनिंग के अंदर जाना और कहीं नहीं जा सकते। मुझे ये शेयर वेयर करना नहीं आता है, मैं आपको कार्डिनल प्रिंसिपल जो है उसके ये जो मैंने पेजेस है ना वो हाईलाइट भी किए हुए हैं, और ये मैं आपको उससे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, तो आप इसको लानबीवादी की के अल्फाज को इसमें से जरा गुजार के देखें। तो एक अच्छा ये एक और बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, अब नाम लेके बोलूंगा इसके अंदर क्योंकि नाम लेना मना, मुफ्ती मुबशर साहब की मैंने एक वीडियो देखी थी, और मुफ्ती मुबशर साहब को इसका इसका नहीं नहीं मैं इसके मुफ्ती मुबशर साहब को इसका फिक्र के अंदर अल्टरनेट पता है, वो अक्सर अपने उसके अंदर मुझे नहीं पता है, यानी कि उन्होंने पता है वो मैंने अभी मेरे जहन से निकल गया, तो इसके अंदर क्या अरबी के अंदर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, ये वो अपने मुफ्तियाना तनाजुर में जानते हैं, वो भी वो अक्सर बयान करते हैं इसको, इस चीज को बोलते नहीं है तो, लेकिन ये मैं स्पेशली मुतलक वो मुतलक का लफ्ज तो नहीं वो मुतलक मुतलक जो बोलते हैं ना मुतलक यजरी अला तलाकी हा, ये उसूल है। यस एग्जैक्टली दैट इज मुतलक का जो असूल है वही है कार्डिनल प्रिंसिपल। अब मैं ये वुकला के लिए अहमदी वुकला थे उनको मैं दावत फिक्र देता हूँ इस बात पे कि वो इन अल्फाज पे इस तरह से गौर करें और उठा लें जितनी भी आपके पास कानून की किताबें हैं, जितनी रूलिंग आए, और देखें आप सिर्फ आप इन अल्फाज को ला के आपको कुछ दुनिया कुछ और नजर आना चाहिए। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू ख्वाजा साहब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे पैनलिस्ट अगर इसके ऊपर, तो अदरवाइज आगे बढ़ते हैं फिर। मेरे ख्याल से काफी हद तक उन्होंने एक्सप्लेन उसको कर दिया हुआ है, और बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता रखा है कानूनी एतबार से, क्योंकि जब अदालत में दलाइल की रोशनी में, और इसी वजह से मुकदमात लड़े जाते हैं, ये जिस मुकदमे का गुरदासपुर का हवाला मैंने दिया था यही वजह है, जब अदालतों में मुकदमा लड़ा जाता है तो जरा होती है जब किसी दलील के ऊपर, तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर होती है, क्योंकि जब आप अदालत के सामने किसी मुकदमे को साबित करने लगते हैं तो बातिल तावीलात का दरवाजा जितना मुमकिन होता है वो बंद कर देते हैं इसी प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर। यही उसूल होता है जिसको फिका में इबारत तो नस से इस्तदलाल करते हुए अल्फाज से मुतलक के कायदे को सामने रखा जाता है, जिसकी तरफ तवज्जो फरमा रहे थे कि अल मुतलकु यजरी अला इतलाकीहा। मुतलक का उसूल ये होता है कि वो अपने जाहिरी अल्फाज की जो शनाख्त है और जो उसका इस्तेमाल है उस एतबार से चलता है। यही इन्होंने कहा अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी। देखे जहां भी अना खातमुन नबीन आया उसके बाद ला नबी आबादी जरूर आया है, क्योंकि कानून को ये मुकम्मल करता है और उस लूप होल को खत्म कर देता है कि उसकी तशरीह क्या है, इसको प्रिंसिपल वो कह रहे थे इतलाक करना। जी ठीक, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? मिर्जा साहब के फरिश्ते आए हैं, टीची टीची साहब जनाब, कौन है सर? हेलो हेलो, म्यूट माइक ऑन कीजिए अपना, आपने म्यूट पे रखा हुआ है मोहतरम टीची टीची साहब। चलें ठीक है यार, नाम एक तो यार सही लिख के आया करें, आपको समझ तो लगे बंदा है कौन है। नबी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज मैं जो सवाल करना चाह रहा हूं वो शेख साहब से और आमिर साहब से अहमदियों की तरफ से करना चाह रहा हूं, और वो दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब इसलिए आए थे कि उस वक़्त उम्मत में बहुत बिगाड़ पैदा हो गया था, यानी कि वो बिगाड़ जो था वो उम्मत फिरके फिरके हो गई थी,
اور یہ بنانا جو ہے وہ قرآن کی روح سے غلط ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، ان لوگوں نے فرقے بنانے کے بعد شرک کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا. اچھا، ایک تو ان کا یہ ہے، اور انہوں نے کہا پھر وہ نبی آتا جو ہے وہ اجرائے نبوت اگر آپ سمجھیں گے تو آپ مرزا صاحب کو سمجھیں گے. اس پہ انہوں نے مجھے آیت کوٹ کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، جس کا ترجمہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، صدیق ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ساتھ ہوں گے اور وہ خود نہیں ہوں گے ہم لوگ، یعنی نہ نیک ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، تو پھر ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم ان میں سے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں. بس میرا یہ سوال تھا، تھینک یو. اوکے، جزاک اللہ، بہت شکریہ نوید صاحب. عامر صاحب، بہت یہ پرانی لوجک ہے اور یہ ہم بھی سنتے رہے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر مرزائیوں کی، جو اس آیت سے یہ استدلال کہ جی وہ صدیقین ہوئے. چلیں، کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی نا بڑا سمپل سی بات ہے، جس کو انہوں نے اپنی مطلب حسب روایات اور حسب عادت وہ ٹوسٹ کرتے ہیں اور بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں یہاں پہ کوئی قانون بیان نہیں ہو رہا کہ صدیق کیسے بنتے ہیں، شہید کیسے بنتے ہیں، نبی کیسے بنتے ہیں. انہوں نے صرف ایک چیز لے لی ہے کہ نبی بننے کا قانون یہاں سے لے لیا، باقی کوئی قانون نہیں لے رہے یہاں سے. جبکہ اگلا جو لفظ ہے کہ یہ کتنے اچھے آپ کے رفیق ہیں، دوست ہیں، وہ ساری چیز کو واضح کر رہی ہے آیت جو ہے، کہ یہ ایک کہ بھئی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو آپ ان لوگوں سے، وہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں بے شمار چیزیں ہوں گی تو چند ایک کا نام لے لیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا قانون کہ یہ کیسے بنتے ہیں، کہ شہید صرف وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو بھی اپنے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، کہ مطلب صدیق، کیا ان کے اندر کوئی سچا بندہ، صدیق، دیانتدار کوئی نہیں ہے کسی اور میں؟ یہ قانون نہیں ہے کہ بھائی بننا اس سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے. جو انہوں نے سٹریس کیا ہوا ہے، جو دیا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے، یہ جو سب سے بڑی ڈسیپشن انہوں نے دی ہوئی ہے نا، وہ یہ کہ یہ قانون ہے. یہ قانون نہیں ہے، یہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم فلاں چیز کرو گے. جیسے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہو سکول کے، جاؤ وہاں پہ جہاں پہ تمہیں پڑھائی ہوگی، ٹیچر ملے گا، وہاں پہ کھیلنے کو بھی چیز ہوگی، وہاں پہ یہ بھی ہوگا، وہاں کھانے کو بھی ملے گا، وہ کیفٹیریا بھی ہوگا. دس کائنڈ آف اے تھنگ، کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جب یہ کرو گے تو اس کے مدد تمہارے جو ساتھی ہوں گے، اب وہ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، وہاں پہ یہ تمہارے ساتھ. سمپل، ویری سمپل. باقی گرامر کوئی سے محترم عامر صاحب، ٹیکنیکلی اس کے اوپر اگر کوئی، میں اس پر نا ہمارے بڑے معتبر مستند اور ایک محقق چینل ہے آقا کا غلام جی، ان کے چینل کے اوپر دو دن کی ایک ڈیبیٹ پڑی ہوئی ہے جرمنی کے ایک پتہ نہیں مربی صاحب تھے یا کیا تھے، شکر ہے میری تو جان چھوٹی ان سے، ٹھیک ہے، سیدھی بات. کیونکہ جو ہے نا وہ آپ کسی جگہ پر پھنس جاؤ کہ کسی کو اے ٹو زی سمجھانا پڑے، یہ بھی ایک عذابی ہے، سیدھی بات ہے. اچھا، میں اس پر تو مختصر بات ہے کہ اس پر میں نے پوری بات کی، میں نے اپنا اصولی موقف اس پہ دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے یہاں سے استدلال تب کیا جائے جب نبوت کے منصب کو آپ اطاعت کے ذریعے قصبی طور پر اس کا اکتساب کرنا مانتے ہوں. جب نبوت ایسا منصب ہی نہیں ہے جس کا اکتساب ہو سکے، تو چاہے کوئی ایڑی چوٹی کا اطاعت بھی کر لے، نبی وہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے، میں ان کی کتابوں سے بھی حوالے وہاں دے چکا ہوں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بیسیکلی اس کا شان نزول جو ہے نا وہ بخاری اور مسلم میں بہت جگہ پر کھل کر بیان ہو چکا ہوا ہے. صحابہ ایک جو ہیں، ایک دفعہ ایک بیٹھے تھے مجلس کے اندر، وہ غمزدہ تھے، ان کا نام غالباً نواس بن سمعان ہے یا ایسے ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ بڑے پریشان غمزدہ بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہتے ہیں کس چیز نے تجھے غمزدہ کر دیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں یہاں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں جی، اور آپ ہمیں آپ کو ڈیلی دیکھتے ہیں، آپ کا درس سنتے ہیں،
आपसे दिल की बात कर लेते हैं, आंखों से आपका दीदार करते हैं, आपकी सोहबत में बैठते हैं, महजूज होते हैं, कल क्यामत का दिन होगा, जन्नत जो है वो तकसीम होगी, हम तो बड़े कमजोर से उम्मती लोग हैं, आप नबी बड़े शहनशाह, क्योंकि कुरान में लिखा है अल्लाह ताला मराते बड़े परेशान हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी उस वक्त, उससे पता चलता है कि इसका जो शान नजूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया, इसका जो महल्ले वकू, चलो शान नजूल से भी बड़ी चीज महल्ले वकू, यानी इस आयत से जो इस्तदलाल है वो है कयामत का दिन, दुनिया नहीं, कयामत दुनिया का दिन। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हजरत आयशा फरमाती है बुखारी के अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में जब मरगे बिस्तर पर थे, दुनिया से वसाल फरमाने वाले थे, इस आयत की तलावत करते थे, अल्लाह, इस आयत की उस वक्त भी, ठीक है, क्योंकि आता है हासुना उलाई का रफीका, कि नबियों की सोहबत, सिद्दीकीन की सोहबत और शुहदा की सोहबत और सालेहीन की सोहबत, इससे बड़ी को सोहबत हो सकती है, क्योंकि अबदी कामयाबी तो वही है, मुस्तकिल कामयाबी। तो इस तनाजुर में इसको समझना चाहिए था, इन्होंने जनाब उसको इस उसूल पर समझा कि शायद ये चूंकि इसमें कोई शक नहीं कर, नबूवत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इस उसूल के ऊपर इसको जारी कर लेना कि अल्लाह की हर नेमत जो है वो हर जगह पर जो है ना वो उसी तरीके से काम करेगी, इसके कुछ कवायद और जवाबित है वो अल्लाह ताला बयान कर दिए, और इस्तिस्ना भी। अच्छा फिर एक होता है मेन्यू आता है पूरा, यानी आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू उस पर आता है कि ये इसका मेन्यू, इस पर बड़ी दलीलें दी जा सकती है, मगर इसको हम कंक्लूड करते हैं, वो मेन्यू आता है बड़ी बड़ी, आप उस पर उंगली रखते हो तो आप कहते हो ये लेके आए, वो कहते हैं ये लिस्ट में तो है मगर ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लिस्ट में लिखा हुआ है मगर इस वक्त अवेलेबल ये नहीं है, या वो ये कहते हैं कि आज इसका दिन नहीं है, ये हम फलां मेन्यू, ये दिन वेडनेसडे को होता है, वेडनेसडे स्पेशल होता है, या ये लंच ऑफर है, या ये डिनर ऑफर है, वो इस तरह करके आपको एक मेन्यू के अंदर बताते हैं, आप बाद में समझाते हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने इसको एक रोशन दलील के तौर पर रकम कर दिया, अब इन्होंने उसको अबदी उसूल समझ लिया उस चीज के ऊपर, तो वो एक खबर के तौर पर वहां दाखिल कर दिया गया था कि ये वो लोग हैं। सूरह फातिहा से वो शुरू करते हैं, अहदिनस सिराज अल मुस्तकीम सिराज अल लजीना अनअमता अलैहिम, तो उस रास्ते का जिक्र कर दिया अबदी उसूल के तौर पर कि ये अबदी उसूल अल्लाह का रहा है, मगर उस मेन्यू को एक्सेप्शन दे दिया कि अब नबियों का ताल्लुक वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम कुरान को एक आयत के तौर, अब कोई कह सकता है नहीं जी नहीं हमने उसे इस्तलाल पर जोर देना है, बात यह है कि कुरान 23 साल दौर में 114 सूरते 30 पारे मुख्तलिफ औकात में उतरा है, कुरान पर कुरान में किसी भी दलील से आप इस्तदलाल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप जुमला पहलुओं का अहाता ना कर लें, मतलब मैं एक जगह से इस्तदलाल करता रहूं और दूसरे पहलू को नजरअंदाज कर लूं तो मैं गलत अकीदा अख़ज़ कर सकता हूं, तो जुमला पहलुओं पे गौर करना पड़ेगा, तो जुमला पहलुओं से गौर करना पड़ता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं और आप काफ़तन लिन्नास हैं, बशीरों व नज़ीरा हैं, तो उससे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की जरूरत न रही, इसलिए आपको इताअत करता रहे तो वो सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन में से हो सकता है, नबियों में से नहीं, अगर इसको बज़ोर बाज़ू दुनिया में मानना भी है तो, ये मैं सेकेंडरी बात कर रहा हूँ जबकि असल में वो इसके लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया, ठीक, जज़ाकअल्लाह। यानी कि ये आखिरत की बात थी, इसको घसीट के दुनिया में ले आए, चलें इसके लिए फिर अब मैं एक आधा सवाल रख देता हूँ कि अगर यही चीज़ थी और इसी तरह, तो क्या ये अतात, पहला सवाल ये कि क्या मिर्ज़ा साहब ने ज़िंदगी में कोई अतात की है, क्या वो एक शरीफ और नफ्स इंसान थे, ये सवाल आज 47वां एपिसोड है और हम करते चले आ रहे हैं, किसी एक इनके मर्द मुजाहद में हिम्मत नहीं हुई कि वो आके कह दे, चैलेंज कर दे कि मैं कहता हूँ मिर्जा साहब शरीफ उन्नफ्स इंसान थे, चले आप गलत साबित करके दिखाएं, या कह दे कि आप गलत कह रहे हैं मिर्जा साहब ने पेंशन चोरी नहीं की इस अंदर। दूसरी बात यह कि अगर आपने इसको दुनिया में घसीट के लेके आना इस असूल को, तो मिर्जा साहब पे शराफत खत्म होगी, सदाकत मिर्जा साहब पे खत्म होगी, दोबारा दुनिया में कोई नहीं, अब क्यों नहीं मानते हैं, मानो फिर उसको जाहद खान को, इधर वो भी कहता मैंने अतात की मुझे मिल गई, तो बाद में मानते रहे, फिर ये छटा आपने दे दी है, अब इस पौधे से नबी गिरते रहेंगे, आपके मुंह बोले उठाते रहो, संभालते रहो, फिर केस चलते रहेंगे, जमात आपकी लगी रहेगी, लगे रहो फिर मजे करो, चले जी। अच्छा इस हवाले से जी, जमात के आप पता नहीं जमात के नुमाइंदे हैं कि नहीं है, लेकिन रफाकत साहब हैं जनाब, कॉलर हैं, और इस दफा मैं फिर से पूरा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला के और उम्मीद करता हूँ कि कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करेंगे, या एटलीस्ट जो हमने बातें पीछे कही हैं उनको यही कह देंगे कि इस बुनियाद पर मैं इनको झूठा कहता हूँ। आइए उनको कॉल पे लेते हैं, रफाकत अहमद साहब जनाब। आवाज मेरी आ रही है? तीन दफा करना होता है इन्होंने। जी 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 आ रही है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी, आवाज मेरी आ रही चुप रहिएगा आमिर भाई। तो
मैं आगाही के तौर पे आज का जो आपका मौजू है इसी के बारे में नहायत मुख्तसर गुजारिश करूंगा। नहायत सवाल करें अपनी सुना के चले जाते हैं, एमटीए पे दे जाके हम भी दे रहे हैं, हमारे पास भी वही है, यहाँ ना वो बेचे अगाई एमटीए पे दे जाके अपनी पब्लिक को दें। मैं ये कह रहा हूँ या तो सवाल कर लें या कह दें कि जो ये बात आपने की है ना कि मिर्जा साहब क्यों मुक रहे हैं, क्यों नहीं इसकी जनाब ये बात आपने झूठ कही है, मैं उसको इस चीज की बुनियाद पे कह रहा हूँ, सर उसको कहें अपनी राय दें और अगले की जगह बनाएं। प्लीज सर लेक्चर नहीं, प्लीज बताएं ये और मतलब है तो बताएं। मैं रफाकत साहब मेरी नहीं करूंगा, मेरी सुन लिया नहीं ना, मैं आपको एक असूल समझा रहा हूँ, प्यार से असूल समझा रहा हूँ, समझ लें जल्दी से, समझ लें, दो मिनट की बात है, सुन तो लें, एक सेकंड की भी नहीं है, बड़े प्यार से। मैं यार 47 एपिसोड गुजर गए हैं, मैं बच्चा हूं या आप बच्चे हैं, पहले असूल समझाऊं आपको। हाँ जी सवाल करें अगर करना है, या फिर आप कह दें कि इस चीज की बुनियाद पे है। गुजारिश ये है कि 55 साल जो मैं समझाऊं, 55 साल जो मैं समझाऊं वो मैं आपके वो सामने बतौर आगाही पेश कर रहा हूँ। हजरत मिर्ज़ा साहब को 1882 में इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से, नहीं करना मैं रो, चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है चलें फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही। अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ना अपनी फकी बस से वड़े थे बेचनी शुरू कर देती, मेरी नहीं सुननी। फारूक भाई एक मिनट आप होल्ड कर रहे हैं, सब चीजें हैं, मेरी गुजारिश पे अगर उनको 1.5-2 मिनट दे दें कि वो बात कर लें यार, आपकी रिक्वेस्ट पे दे देता हूं। अच्छा ए फिर आज तुम्हारे से जुर्माना पड़ना जी, आज फिर ए देख लियो जी, अगर अगर वो ये ना कि आपकी मर्जी है, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया कि उनको 2 मिनट दे दें। चले रुके जी, मेरे बड़े भाई ने आप कह दिया, लो जी टाइम नोट जनाब, एक ए स्टार्ट 1.5 मिनट, चलो जी 2 मिनट देखें। हजरत मिर्ज़ा साहब अलैहि सलाम को पहला 1882 बुरहानी ने आम दिया एहसासों, नहीं नहीं डेढ़ ने, कुल इन्नी उमिर तो, अल्लाह कहता है कि ए अहमद मेरे प्यारे अहमद ऐलान कर दे कि मैं अल्लाह की तरफ मामूर मिन अल्लाह हूँ, यानी नबी उल्ला हूँ, और कौन सा नबी उल्ला और मामूर, व आना क्या हुआ वो मशवरा पीछे यार, अब आप चलने देना हमारे भाई, माइक में तो चार बंदे इकट्ठे बैठते हैं यार, आमिर भाई आप भी क्यों मासूम बनते हैं। तो मुझे तो मैं इसलिए कहता हूं, मैंने तो इसलिए कहा कि पता क्या होता है बाजू का, देखें एक तो ये है ना कि वो गलत बात, अगर कोई बंदा कह रहा है उसको ना ऐसे मेरी राय के मुताबिक 2 मिनट दे, ताकि जो जमात अहमदिया के हमारे मुखलिस दोस्त हमें सुन रहे हैं, जो हमारी आगाही मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, जो हमारे दोस्त हैं अहमदी दोस्त, उनको पता चले कि मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बात करने का, मगर बात भी तो कोई हो तो सही ना बीच में। मैं अल्लाह का नबी हूँ, और यही अकीदा आपका 1908 वफात के दिन तक रहा है कि मैं खुदा के मुवाफिक नबी हूँ, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, और ये तो हो गया एक। और आगे जनाब ने फरमाया कि जी काटे वो काटा हुआ समझें, तो इसे कहते हैं ये आमिर साहब इसको ये फिका की इस्तलाह में समझेंगे, इसे कहते हैं कि तौरिया इब्राहिमिया तफासीर में वो बहुत वो लिखा हुआ मशहूर है। दूसरा शिया इस्तलाह में अगर इसे जानना हो तो तकिया, मौला अली अलैहिस्सलाम का तकिया सलासा के बारे में, तो इसको इस तरह समझे। और एक मिसाल मुआहदा सुलह हुदैबिया जो आपने खुद बयान कर दी है। और तीसरी बात यह है कि नबी सिद्दीक शहीद सवाले वाली जो आयत है उसमें पहला लफ्ज वाओ मातूफ अलैह काबिल गौर है, मन जो है
वो तकसीस करता है बिलबाज की, और आगे मा है, मा जो है वो मईयत मकानी, मईयत जमानी, मईयत फिल मंजिलत, और मैं जो ये अरबी जानने वाले हैं कि इसमें से कौन सी मईयत मुराद है। हाथू बुरहान को मिन कुन तुम सवादीन, जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। इतनी सी बात जी मेरे प्यारे आमिर, पता क्या सिलसिला है, देखें मैं आपसे एक अर्ज करूं, चूंकि आप यकीन करें कि ये बड़ी अच्छी, मतलब आपकी जिसे कहना चाहिए कि फीलिंग्स इनके बारे में और तरीकाकार, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन आप इनकी टेक्निक और इनकी जहनियत को थोड़ा सा समझ लें कि ये यहाँ पे आके ऐसा क्यों करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी होती है, ये इन्होंने एक वीडियो बनाई कि जी हम गए हैं और हमने जाके तबलीग की, मैंने कार्रवाई डाला है। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद वो ये जाके कहते हैं, और मैं गया, मैंने जाके उनसे बात की, और मैंने 2 घंटे 1 घंटा 15 मिनट तबलीग की, और मैंने अपना फर्ज पूरा किया और चला आया। ये वन वे ट्रैफिक है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुननी, उन्होंने एक बात अपनी, जी हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया था, हमने बात कर दी थी, हम जो बात कर रहे हैं हम उनसे ये चाह रहे हैं कि हम अगर ये गलत समझे हैं तो आप आइए बताइए कि ये क्या चीज है, ठीक हो गया। ये जो अपना बताना, ये इन्होंने जो बातें की हैं कि जी आमिर भाई बेहतर समझेंगे इसको अरबी के हवाले से और फिक्र के हवाले से, ये जो बातें की हैं, आप क्यों नहीं किसी आम आदमी अहमदी को उठा के पूछते कि ये जो बात करके गया कि आपको भी इसी तरह पता, आपका भी यही जवाब होता है? उसने कहा जी मेरे सर से गुजर गई ये बात, मुझे पता ही नहीं है। आमिर ये इनका तरीकाकार, इनकी रिपोर्ट बनती है बाकायदा तौर पे कि हाँ हमने वो जो लगे हुए थे मिर्जा साहब की मुखालफत करने, अब ये आगाही की बात नहीं करेंगे, मुखालफत करने, हमने वहां पे जाके हक का पैगाम ये दिया मिर्जा साहब की। ये बात और शेख साहब पता क्या कहेंगे, हमने बोलने नहीं दिया, हमारा रोब और दबदबा ऐसा छा गया कि उनकी टीम खामोश हो गई। ये मेरी बात सुने, ये चले हम कॉलेज की तरफ आ जाते हैं, इन्होंने जो कहना था कह लिया ताकि हमारा टाइम इम्पोर्टेंट जो है, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, ये जो इतनी जितनी इन्होंने बातें की है इंशाल्लाह इनके साथ कोई टाइम सेट कर लेंगे। इन्होंने पिछली दफा भी आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि मैंने जो है ना कोई 3 से ज्यादा बार सारी किताबें पढ़ी हुई है। आमिर भाई इसका जवाब दीजिएगा जरूर, जब आपकी आपकी फिर बात हो ना, मैं साथ साथ दिखा भी रहा था, ये कह रहे हैं नबी, मैं साथ ही स्क्रीन पे दिखा रहा था, वो नबी इन्होंने कहते हैं मेरा दावा ही नहीं है नबूवत का, इसका जवाब जरूर लीजिए। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि ये जो शेख साहब ने ठीक कहा है, शेख साहब से बेहतर कोई इनकी साइकी नफ्सियात और इनके तरीका वारदात को नहीं जानता, क्योंकि वो इनके बेसिकली इनके खुद्दामुल अहमदिया के वो जो है ना वो ट्रेनर रहे। ये मतलब ये इनकी तरबियत इसी पे हुए। जी चलें ले आप अपने हाँ, वो सारा कुछ जान। मैं सिर्फ इतनी बात करने लगा था। नहीं अच्छी बात है, मतलब नो आई रियली अप्रिशिएट, मतलब मैं सिर्फ इसलिए मैंने आई विश कि इन लोगों का जेस्चर भी जो है ना आमिर, आई विश कि अगर आप कभी चले जाए या कोई मुसलमान भी चला जाए इनके फोरम के ऊपर, तो आई विश कि ये उसके साथ इसी तरह सलूक करें। आई विश मैंने इसलिए शेख साहब दिया था कि वो जो कहना चाह रहे हैं कह लें, सुनने वाले जो हैं वो सुन लें, और इस्तदलाल जो जोर इस्तदलाल है वो भी पता चल जाए। जी देखिए मैंने जो सारी बात की थी उसमें से इन्होंने लुगवी रोब झाड़ने की कोशिश किया, उसके अलावा अगर मैं उस पर कुछ सवालात रख दूंगा वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके साथ हम सेपरेट, सिर्फ अगर फारूक भाई मेरी इजाजत हो आपकी याद कह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर इनको जरा नंबर दिखा दें, आप दिखाएं आप बोल ओके स्क्रीन पर मेरा सिर्फ इनको नंबर दिखा दे रफाकत साहब, ये जरा लें जी ये स्क्रीन रफाकत साहब ये स्क्रीन का ले लें आप स्क्रीनशॉट, आपने मुझे करना है मैसेज तो आपके साथ मैं इस आयत के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। चैनल के ऊपर हम डिबेट्स वगैरह के इस वक्त हमारी पॉलिसी नहीं है, हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, हम डिबेट्स वगैरह इस चैनल के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी, हमारी अपनी एक पॉलिसी है। तो आप पर्सनल में मुझे इसके ऊपर मैसेज करें, मैं आपके साथ जितना टाइम भी लगेगा इस आयत के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ जो आपने पेश किया, ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, चलें जी ये जज़ाकअल्लाह रफाकत साहब, कर लें जी नोट, वहाँ और भी बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे होते हैं, इंशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा माहौल होगा, आपको ये अरबी वाला जो है ना ये इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा गुफ्तगू का, तो कीजिएगा ज़रूर ज्वाइन। यहाँ जो है आगे भी कोई आए, कोई अहमदी दोस्त या फिर इनका पेड मुरब्बी या कोई
तनख्वाह दार, तो उससे भी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली जो है ना, आज हम बार बार ये चीज दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा नबूवत का कोई दावा नहीं है, मिर्जा साहब का, तो इस पे कुछ बात करें, मिर्जा साहब झूठ कह रहे हैं या हम झूठ कह रहे हैं, इस पे काइंडली कुछ फरमाएं। आइए जनाब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई उमर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आ रही जी जी आ रही जी जी आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वेरी नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू। अल्लाह के फजल व करम से आपकी सेहत बहुत माशाल्लाह तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जल्द अज जल्द कुरान करीम में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनहा आयात लिल आलमीन। ये है थानवी के जो उर्दू तर्जुमा है, और उन बीबी मरियम का तज़किरा कीजिए जिन्होंने अपने नामूस को बचाया, फिर हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी, और हमने उनको और उनके फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया जहां वालों के लिए अपनी कुदरत कामिला की निशानी बना दी। सवाल मेरा ये है कि क्या चिराग बीबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की जो मदर, क्या उन्होंने उनकी पैदाइश से उनको बता दिया था कि वो हज़रत ईसा होंगे? माइंड ना कीजिएगा शेख साहब, ऐसे सवाल कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करता चला जाऊँ, और ये मतलब अहमदियों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूं इस हवाले से कि अहमदी हजरत बुनियादी तौर पे वो आप जितना भी वो मिर्ज़ा साहब का इस तारा के रंग में प्रेगनेंसी, मरियम बनना, मसीह बनना ये देखते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि चूंकि जब अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को बता दिया कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं, तो अब इससे जो सिलसिला है बदल के दूसरी तरफ चला जाता है कि मसीही खासियत, क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ के हवाले से अल्लाह ताला ने एक और शख्स को भेजना था। दिस इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो असल हैं वो तो फौत हो गए, अब जब असल फौत हो गए तो वो आएंगे नहीं, जब वो नहीं आएंगे तो हजरत मरियम की क्या कैफियत थी, हजरत मरियम क्या थी, हजरत ईसा क्या थे, वो तो बात खत्म हो गई उनके साथ ही, क्योंकि वो फौत हो गए तो बात खत्म हो गई। अब जो आने वाला है वो उन क्वालिटीज के साथ, इस तारा के रंग में वो उनके अंदर वो चीजें होंगी, लेकिन बंदा और होगा। अब यहाँ पे जो हम उसकी माँ से और हजरत ईसा की वालदा से ये मांगते हैं वो चीज़ें, वो कहते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ उसके साथ मुशाबहत रखती नहीं है, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। चूंकि यहाँ पे ये जो आजहानी गुलाम कादियानी एज ए ईसा ये पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे ईसा का नजूल है, तो वो चीज़ साबित हो गई कि वो फौत हो गए तो उनका नजूल का ताल्लुक ही ना रहा। अब पैदाइश की बात आ जाएगी, तो पदेश को उन्होंने इस तारा के रंग में अपने आप को दिया कि मैं ही वो कैसा हूं कैसा हूं, तो वो कहते हैं ये चीजें तो ले आ मेटाफोरिकली, जैसा उन्होंने अपनी नबूवत के बारे में कहा कि ये गैर हकीकी है। अब ये ईसा भी गैर हकीकी है, मेटाफोरिकल है, नबूवत भी गैर हकीकी है, लेकिन सिर्फ जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मानना जो है वो हकीकी है, कि मिर्जा साहब को अगर आप नहीं मानते, आपको मिर्जा साहब को मानना जो है हकीकत में मानना होगा, अगर आप नहीं मानते तो आप हकीकी काफर हैं, हकीकी जहन्नम में जाएंगे, हकीकी जहन्नम में जाएंगे। सो ये चीज उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। तो अहमदी हजरात ये गौर कीजिए कि जो आप समझते हैं, जो मैंने बात की है कि मिर्जा साहब के बकौल और आपके बकौल जो आप मिर्जा साहब से समझे हो कि जी हजरत ईसा तो फौत हो गए, बिल्कुल ठीक है फौत हो गए, तो अब वो जो नाजिल होने वाली बातें हैं वो हो गई खत्म, अब वो बातें सिर्फ तशबीहतन रह गई, मेटाफोरिकल रह गई जी। दो जर्द चादरों में उन्होंने कहा जी मेरे दो बीमारियां हैं, एक ऊपर और एक नीचे जी, मैं जी ऐसे था तो मैं वैसे था, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो है, अब इनकी वालदा मरियम नहीं होगी, इनकी पैदाइश एक औरत से हुई, इनके दावे की बात आ गई, वो
हजरत ईसा दावा ना करते, वो ऑलरेडी नबी थे। तो इन्होंने कहा जी मैं दावा, तो मैं जो दावा कर रहा हूँ मैं हकीकी नबूवत का नहीं कर रहा, गैर हकीकी का कर रहा हूँ। मैं हकीकी ईसा का दावा नहीं कर रहा, मैं ईसा जैसा मसीले ईसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना जो है वो हकीकी है। अब एक गैर हकीकी को हकीकी मानना, यहाँ पे हाथ जुड़ गए मेरे तो। कॉम्प्लेक्स, यकीन करें शेख साहब, यकीन करें, वाकई हाथ जोड़ने वाली बात हो जाती यार, इतने इतने गुंजल, तौबा अस्तगफार। बंदा हिदायत पाने की बजाय होगा यार सरदर्द है यार, मेरी जान छुड़ाओ प्लीज। अच्छा जी, मिनट रह गए हैं पीछे को 11-12। जी जी, अच्छा आमिर भाई को बात है, जल्दी से कीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं सिर्फ ये बात कर लेता हूँ, ये उमर खान भाई ने जिस तरह तवज्जो दिलाई है ना, एक किताब है alislam.org के ऊपर पड़ी हुई है, फलस्तीन से कश्मीर तक, मसीह यसू जो है ना फलस्तीन से कश्मीर तक, वो जो कबर का इशू है, उसमें एक किताब का हवाला देते हुए ना, इन्होंने तज़किरतु शहादतैन में करीबन 20 से 22 करीब की मुशाहबतें यसू मसीह के साथ साबित की हैं, जो जाहिरी हिस्सी असली और खारजी हैं। 20 से 22 किस्म की मुशाहबत, उस पर मिर्जा साहब ने दावा किया था कि मेरी यसू मसीह से, ईसा बिन मरियम से मुशाहबत तामा है। मैंने फिर एक प्रोग्राम के अंदर से सवाल किया था, बड़ा बुनियादी और मासूमाना सा, जैसे शेख साहब ने कहा ये सारा कुछ असली मानते हो, एक चीज बीच में गैर हकीकी नकली मानी हुई है। मैंने ये सवाल किया था कि मुशाहबत तामा जितनी भी है आप सब तो वो हकीकी हिस्सी और जाहिरी और असली मानते हो, है हकीकी मानो के अंदर, और जैसे ही बिन बाप के पैदा होने की बात आती है या ईसा बिन मरियम होने की बात आती है, उसको आप इस्तियारे और मजाज के अंदर ले जाते हो उस मुशाहबत को, और कहते हो जी 10 महीने का अमल हुआ, हालत मरियम में रहा, उसके बाद जनाब वो सबको पता है वो क्या है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो चीजें मुमकिन थी उनको जाहिरी साबित कर दिया, जो किसी तौर पर भी आप साबित ना कर सके उनको आपने मजाजी और इस्तारी और गैर हकीकी मानों के अंदर रखकर, इसका मतलब है आपने चूना लगाया वाम को हजरत के साथ, चूना लगाया। अब एग्जैक्टली, जज़ाकअल्लाह आमिर भाई। अच्छा जी, जी शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा अच्छा भला चूना। ओके, अच्छा भला, या एग्जैक्टली मोटा चूना लगाया, जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, मैं पहले बता देता हूँ आप किस किस को लूंगा कॉलर पे। अनीस साहब को लूंगा, उसके बाद बिनते हुसैन है आपको लूंगा, हमारे भाई नईम अवान साहब है आपको, और उसके बाद फुरकान भाई हैं, काफी देर से वेटिंग में हैं, टाइम हुआ तो मोइन अंसारी साहब आपको भी लूं। अच्छा वो लीव कर गई हैं, चलें आपको ले लूंगा उनकी जगह पे, तो रेडी रहिएगा एक तो सब दोस्त, और क्विकली जो है ना बस आप सलाम दुआ के बाद सीधा अपना ना एक दो लाइन के अंदर आप सवाल कर दें, क्योंकि यार टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और मैं चाह रहा हूँ कि आप सबके जो है क्वेश्चन आ जाए। अनीस साहब से शुरू करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या सवाल आपका? वालेकुम सलाम फारूक भाई, अमर भाई, सलाम अलैकुम शेख साहब, सलाम अलैकुम। मैं अनीस बात कर रहा हूँ लॉस एंजल्स से, मैं फ्रीक्वेंट वॉचर हूँ लेकिन फ्रीक्वेंट कॉलर नहीं हूँ। तो ओके, लास्ट वीक बशीर भाई आए थे वो कॉल पे, तो मैंने ट्विटर पे फॉलो किया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की, तो मैं उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था जो अहमदी हजरात थे, उनमें से एक अहमदी ने एक बात की, वो ये कह रहे थे कि एक शेख साहब फारूक भाई ये खुद हदीस को फॉलो नहीं करते हैं, यानी मुनकर हदीस हैं, तो ये कैसे ये बात करें। तो मैंने कहा मैं आकर आपसे शेयर करूं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्विटर में हम सब के खिलाफ, यू नो। ओके, शुक्र है मैं बच गया हूं, शुक्र है मैं बच गया हूं। ये है मेरे लिए, अनीस मियां मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, फारूक बेचारा तो अभी मेरे साथ फंसा है, तो मुझे भी आदत हो गई है शेख साहब अब लोगों के फतवे। मैं ये तमगा जो है मैं पिछले 20 साल से लेके बैठा हुआ हूँ। चले कोई नहीं, फिर तो कहने दें, सिलसिला ये है कि बात उनका दिल कह रहा है। शेख साहब अगर इजाजत दें, अगर इजाजत दें तो मैं फकी दूं एक इनको, ये जो कहते जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से वेरी क्विक फकी। अगर ए हदीस का किसी चीज के कुल का इनकार इनकार होता है, तो उस चीज के जुज का इनकार भी इनकार है, यानी कुरान की एक आयत का इनकार कुल कुरान का इनकार है। ये जितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो कहते हैं जी हम हदीस को मानते हैं, हालांकि मैं नहीं हूं मुनकर हदीस, मैं वैसे जनवन एक बात कर रहा हूँ कि जो किसी पर इल्जाम लगाता है, क्या इन्होंने अपनी अपनी पसंद की हदीसें अपने साथ लगाकर दूसरों का इनकार नहीं किया? क्या बरेलवी, देवबंदी, हनफी, रफल दैन की हदीसों का इनकार नहीं करते हैं जी? क्या नासबी जो है वो अहले बैत के फजाइल का इनकार नहीं करते? क्या रावजी शैखैन के हदीसों का इनकार नहीं करते? तो सारे ही मेरे भाई इनकार रह गया एक साइड पे, यहाँ एक दूसरे के जाके मैं फिर वही बात आ गई ना, बड़ी लंबी निकल जानी है, मन कुंतु मौला हाजा लीन मौला, तो
किसी को बड़ी अच्छी लगती है, कोई कहता ठीक है हदीस तो है रखें, ना माननी है ना यहाँ ऊंची आवाज में सुनानी है, घर में रखें इसको, तो छोड़ें यार ये बंटते रहते हैं नीसा, डोंट वरी, ये लोगों की बातें ये करते कुरते रहते हैं। अच्छा आगे आ जाएं जनाब। अच्छा जी फुरकान साहब जल्दी से कीजिएगा, वेरी क्विकली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर मेरे दो सवाल है, क्योंकि मेरे नाम से आपको अंदाजा होगा टीची टीची है, तो थोड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। पहला सवाल ये है कि जल्दी कर ले यार, टाइम एंड है। जी 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 फारूक भाई बड़ा क्विकली बोल रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है वो इमाम मेहदी से रिलेटेड जो भी हदीस है उसको वो मानता नहीं था, तो फिर वो अपने आप को इमाम मेहदी क्यों कहता था, पहली चीज। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब्दुल गफार जम्बा साहब के जो फॉलोअर है वो ये कहते हैं कि मेरे ज़हन से शायद कुछ निकल गया है इसके वाले से, अगली बार से निकल गया फारूक भाई इसका सवाल। अब्दुल गफार जब बस आपके जो फॉलोअर है ना उसके हवाले से मेरा सवाल, हाँ जी खलीफा के ऊपर, कि वो ये कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की ऐसी कोई तहरीर नहीं है जहां पर ये बताया गया हो कि उनके बाद कोई अपॉइंटेड खलीफा होगा, तो फिर ये जो खलीफा का जो सिस्टम आ रहा है इनका वो फिर क्यों आ रहा है। जजाक अल्लाह जी। ओके जजाक अल्लाह शेख साहब। अगले सवाल ले लेते हैं दोस्तों के साथ ही, फिर एक साथ ही करके और फिर इसको खत्म कर देंगे। मोहतरम नईम मवान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नईम भाई जल्दी से कीजिएगा यार, माजरत आज एंड जा रहा है, आप लिखते नोट करते जाइए। जी 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 नईम फारूक भाई, ये जल्दी वाली बात ना किया कर, बाकी बातें कर लिया कर। आप हुजूर आते बड़े लेट हैं, आप शेर हैं, आप आते ही लेट हैं। नहीं आखिरी सह तो मैं दो तीन अर्ज करूंगा, छोटी छोटी बातें। ये जो सूरह निसा की आयत से इस्तदलाल लेते हैं ना, इनका हर इस्तदलाल हमें कबूल है, हर इस्तदलाल। नबी बनाना चाहते हैं, अतफ का कायदा लगाना चाहते हैं, हमें हर इस्तदलाल कबूल है। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मिर्जा कादियानी ने खुद को आखिरी नबी लिखा है और मिर्जा बशीर ने लिखा है, मिर्जा के बाद कतई नबी कोई नहीं आता, इन दो बातों में तदवीर पैदा करके दें। एक तरफ ये नबी बनाते हैं, दूसरी तरफ आ नहीं सकता, और अतफ के कायदा का ये लगाते हैं कि तीनों को मानना है तो चौथे को उसी तरह मानो। अब एक इनकार करेगा तो तीनों का इनकार करना पड़ेगा, इसकी तदवीर पैदा कर दें। दूसरा सवाल यह है, कभी जो साहब थे क्या नाम है जो तकरीर करके गए हैं, उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब का 1882 से लेकर 1908 तक एक ही अकीदा था, 6 सितंबर 1941 अखबार मेरे मुंह के आगे खुला हुआ पड़ा है, उसमें मिर्जा बशीर साहब लिखते हैं कि मिर्जा साहब ने अकीदा खत्म नबूवत में उसी तरह तब्दीली की है जिस तरह अकीदा मसीहत में तब्दीली की है वफात मसीह में, और जबरन तब्दीली कराई गई है, ये नहीं कि मिर्जा साहब ने अपनी मर्जी से की है, उन्होंने कीते में तब्दीली किया। ये तब्दीली हुई है 1899 के बाद, 1899 से 1901 के दरमियान। ये कैसे कह सकते हैं कि मिर्जा साहब ने कीदा तब्दील नहीं किया था? यहाँ पर हमें पहले माल्टे मनवाने पड़ जाते हैं, चोरी तो बाद की बात है ना। चले अच्छा जी अगला तीसरा। जी जी नहीं भाई तीसरा सवाल क्या था? बस दो ही सवाल करने थे मैंने। थैंक यू। चलिए ठीक हो। ओके ये तो हमारे इल्म में इजाफा किया ना। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया मोइन अंसारी साहब, लास्ट कॉलर। जी मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आमिर अखबाई से एक सवाल है, दो सवाल है बल्कि। जो अभी कुछ देर पहले अभी अहमद करके नाम से आए थे कुछ, और बहुत लंबी छोड़ी बकराती भगा के गए, तो सबसे पहली बात तो है कि इस्लाम एक सादा मजहब है, सारा दिन है, तो उसमें इतनी लंबी चौड़ी बकराती बगा रहे हैं, आम आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या कह गए। इस्लाम में तो सादे से अल्फाज हैं, और उन्होंने जो सादा कुछ जबान में मिर्जा साहब ने लिखा उन पे तो कोई बात नहीं करते, और जो आम इंसान के समझ में आने वाली बात नहीं है वो उन पे बात करते हैं, जो मिर्जा साहब ने खुशो बयान किया उन चीजों पर तो बात नहीं करते, और जो जिनका हमें पता ही नहीं है। और अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अगर जैसे मान लिया फर्ज करो मेरे वालिद साहब डेथ हो गए, मेरे वालिद साहब की अगर डेथ हो गई, तो मैं अगर कोर्ट में जाऊंगा कि जी ये मेरे वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी है मेरे जिम्मे लगा दें, तो कोर्ट में से दो सबूत मांगता है, एक तो मेरे वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट, दूसरा मांगेगा मैं उनका लगता क्या हूँ। अब ये ना तो मिर्जा साहब का आज तक डेथ सर्टिफिकेट, हजरत ईसा का डेथ सर्टिफिकेट पेश कर सके, और ना ये बता सके कि मिर्जा साहब लगते क्या थे उनके, हजरत ईसा के लगते। ओके ठीक है, शुक्रिया। ओके जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू अंसारी साहब। अच्छा शेख साहब, अच्छा कॉल आ गई है। जी सर। ओके ओके अच्छा पहला सवाल इस हवाले से जो भाई आए थे पहले, उनका था
कि मिर्ज़ा साहब वो इमाम महदी वाली हदीसों का इनकार करते रहे और बातों का, और फिर खुद ही ये और कादियानी भी उनको उसी दायरे में फिट करते कभी कभी नजर आते हैं, इसके ऊपर? इसके ऊपर तो मेरा, हम लोग तो जवाबदेह हैं ही नहीं ख्वाहिश के, कि हम सिंपल ये कह सकते हैं ना कि एक शख्स जो क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देते हैं शेख साहब आगे, जी मैं वही कह रहा हूँ, सच्चा नहीं है जो शख्स झूठा है कि अपनी बात को ही खुद वो मतलब गलत साबित कर रहा है, ये तो उनकी तरफ जाती है चीज जी। आमिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मुझे जितना समझ आई है ना इनके इमाम महदी की रवायतों को ज़ईफ कहने के बाद फिर उसका मुद्दा ही बनने की थी, उसकी तस्दीक ये की जा सकती है एक कि इमाम महदी को एक मुस्तकिल अलहदा एक शख्सियत जो हदीसें साबित करती थी ना उनका मिर्ज़ा साहब ने इनकार किया, मगर उस शख्सियत का हजरत ईसा अलैहि सलाम में जम करके एक ही शख्सियत की डुअलिटी बनाना, इसका मिर्ज़ा साहब ने कभी इनकार नहीं किया। नहीं वो तो बल्कि उसको नहीं, वो सपोर्ट उसको मिलती, वो कहते हैं ये टाइटल है कि हदायत याफ्ता ही हजरत ईसा है, मतलब वो उस कहते हैं नबी से ज्यादा महदी कौन हो सकता है, नबी से ज्यादा, तो उसको टाइटल ले गए हैं, पहले शख्सियत का इनकार तो बाद में टाइटल वो करके, क्योंकि मजे की बात है कि आप इनकी किताबों के ऊपर देख लें जो लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ पहले शख्सियत की आमद के कायल थे, लेकिन बाद में इन्हें समझ पता चला, जैसे इनके रुफका जो थे कुछ पढ़े लिखे आए इनके साथ जो इनसे ज्यादा जानते, मौली अब्दुल करीम सियाल कोटी जैसे लोग, तो फिर इन्होंने इस चीज को तब्दील किया है इसके अंदर कि ये शख्सियत नहीं है बल्कि टाइटल है। ठीक, अच्छा दूसरे इस हवाले से कि ये जंबा साहब के हवाले से, इनके फॉलोअर्स के हवाले से वो शायद बात कर रहे थे कि बाद में कोई खलीफे नहीं है ये वो, फिर आप ये कहाँ से खलीफे? यार वो जंबा साहब की आई एम सॉरी टू से, यकीन करें कि मैं किसी शख्स के बारे में भी नहीं कुछ कहना चाहता, जंबा बेचारा मतलब जिस चीज के लिए वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए वो उसे पता ही नहीं है इस्लाम किस चीज का नाम है, और आई एम सॉरी अहमदियत किस चीज का नाम है, उसे पता किस गिनती में रखे यार उस बंदे को, उसे वो खुद नहीं रख रहे हैं वो अंदाजा करें कि उसने घर के अंदर अपना वो लगा के पीछे तो जलसा भी हो रहा है, मतलब उसका दूसरा दिन वो खुतबे भी दे रहा है बेचारा, तो अब मैं क्या बात है, पोर्टेबल नबूवत जो है ना उसने भी चला लिया घर के अंदर ही रख के, तो मेरा मतलब मजाक बनाया, टू बी ऑनेस्ट विद यू मजाक बनाया, अगर अल्लाह ताला की जात ने अपने ऊपर ये पाबंदी ना की होती ना कि मैंने जो कानून बना दिए हैं मेरी कायनात में मेरा कानून जो है ना उसका अमल दखल है, तो वरना ये तो अल्लाह को दो दो नफल पढ़ के और रकातें पढ़ के और बकरे कुर्बान करके और काबे के गिलाफ पकड़ के हिला जुला के अल्लाह की हशर कर देते, तो वो किसी तरफ ही ना रहने देते, इसलिए अल्लाह ताला कोई तो इनको जसारत मिली और मिर्ज़ा गुलाम अहमद को भी जसारत इसी जीवन में मिली कि वो इस चीज़ को समझ गए कि अल्लाह ताला जो है ये कुछ नहीं करने वाले, मैं जो मर्जी करता रहूँ, सो यही जंबा भी आगे जाके शेख साहब मिर्ज़ा साहब मानते ही कहाँ थे अल्लाह को यार इस हवाले से, ये भी तो देखे ना उनके ख्याल में हो कुछ आखिरत जैसी चीज है ना जिसको पता है कि दुनिया है बस इधर मजे करने हैं। जी आमिर भाई आप कुछ कह रहे थे? बस मुख्तसर करते हैं क्योंकि टाइम भी अप हो रहा है, मैं ये खिलाफत के वाले से बात करने लगा था, एक दफा बात चल रही थी कि जो है ना वो खिलाफत के लिए नबूवत जरूरी है ना, कहते हैं जी खिलाफत नबूवत की नबूवत के बाद खिलाफत होती है, तो नबी पाक अच्छा इस्तेलाल क्या कर रहे थे खिलाफत के लिए, कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बार फिर खिलाफत अला मिन हाजिन नबूवा कायम होगी। अच्छा क्या बात है, ठीक है जी, ठीक है हदीसें मिलती हैं समझ आता है कि जी खिलाफत अला मिन हाजिन नबूवा कायम होगी, कहते हैं खिलाफत अला मिन हाजिन नबूवा कायम होने के लिए नबी का आना तो जरूरी है ना, तो पहले एक नबी आएगा वो दुनिया से जाएगा उसका फिर खलीफा होगा वो होगी खिलाफत अला मिन, हालांकि इनको बेचारों को ये नहीं पता कि खिलाफत अला मिन हाजिन नबूवा का मतलब ये नहीं है कि उससे पहले एक नबी का आना जरूरी है, खिलाफत अला मिन हाजिन नबूवा का मतलब ये है कि जिस नबी की उम्मत में वो खिलाफत कायम होने वाली है उसके मनहज को सामने रखते हुए वो इदारा कायम किया जाए जिसको खिलाफत कहें, ये था तो नहीं तो पहले नए सिरे से व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत तो नहीं है। चल रहा है जी, अच्छा जी लास्ट कॉलर थे इस हवाले से, उन्होंने जो एक बात की उसका जवाब तो क्या, उन्होंने खुद ही बड़ी अच्छी बात कर दी कि इस्लाम बड़ा सिंपल है अपने अहकाम के अंदर अपनी बातों के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बातें इस्लाम की, कोई झोल झाल नहीं है,
लाइक मिर्जा साहब की पूरी तालीमात के अंदर झोल झाल है, तो ये सवाल हमारे लिए नहीं, दिस इज आल्सो फॉरवर्डेड टू जनाब कादियानी कल्ट एंड देयर खलीफा, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, जब आपको मौका मिले हिम्मत हो तो कीजिएगा इसका जवाब पब्लिक को। उसके बाद था के मिर्जा साहब जनाब ना कोई तल्लुक साबित कर सके ना कोई वो, उन्होंने बात की कि अदालत के अंदर यू नो अगर मैं क्लेम करूं कि मैं इसका वारिस बन रहा हूं ये वो, तो वो रिलेशन मांगते हैं कैसे बन रहे हैं कोई क्या करें। मिर्जा साहब ना अपनी माजरत के साथ करतूतों के हवाले से कुछ ये कर पाए हैं, माजरत के साथ ये अल्फाज मतलब मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ, कोई ऐसा जिंदगी में अमल नहीं किया जिसको कहें कि मैंने ये बड़ा नेकी का काम किया है, और ना ही किसी तरह से तोड़ मरोड़ के वो पैदाइश या वो चीज साबित कर पाए हैं। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि अपने जो है ना रिश्तेदारी कहीं ना कहीं से निकाल लें, मैं इसराइली तो कभी मैं ये तो कभी मैं वो, कुछ भी नहीं कर पाए, तो सिंपल मेरे भाई कुछ भी नहीं किया, चूचू का मुरब्बा बना के पब्लिक को चूना लगाया, अपना चंदा बटोरा चलते बने पिछले, अब भुगत रहे हैं। लास्ट कोई बात आप दोनों हजरात मेरे मोहतरम आमिर भाई और शेख साहब अगर कर सकते हो। जी मैं माजरत से कहूंगा, हाँ मैं शेख साहब का आप लास्ट लेना, मैं माजरत से आपके साथ इख्तलाफ करता हूँ। आपने कहा कि कोई भी जिंदगी के अंदर ऐसा काम नहीं किया जो अच्छा काम उन्होंने किया हो, कोई अच्छा काम भाई, दुनिया जहान की जो गालियां मुसलमानों को इस हवाले से पड़ रही थी कि नबी पाक, उन सब का रुख मिर्जा साहब ने अपनी तरफ मोड़ा है, ये छोटा काम है। चलो बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन जी। और ये मिर्जा साहब माने हैं, मैं इस पर हवाला दे, ये मैंने, मैं मेरे अहमदी दोस्तों जी 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 जी, इस पर नाला मत होना, मैं इस पर हवाला दे सकता हूँ मिर्जा साहब की अरबी की किताब का। मिर्जा साहब कहते हैं कि जब अल्लाह की गैरत ने जोश मारा और उसने देखा कि उसके नबी और उसके दीन की तोहीन हो रही है, तो उसने मुझे कहा इन्नी जाइलू, इन्नी जाइलू का ईसा बिन मरियम, मैं तुझे ईसा बिन मरियम बनाता हूँ, जा इन सब चीजों को अपनी तरह मोड़ ले। लिखा है अपनी किताब में आमिर, तुम्हारी बात को मतलब बढ़ाते हुए इसी को मैं ऐड करते हुए लेकिन फिर वही है कि सुनने वाले जरा दिल बड़ा करके और खुले दिमाग से मेरी बात को सुने कि हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं। एक चीज फारूक जो पैदा की है ना मिर्जा गुलाम अहमद ने मजहबी दुनिया के अंदर, वो ये पैदा की है कि ये जो आम पीर फकीर और ये जो मजहबी जमातें अपना लेके चलती हैं ना, वो इस तरह से अपने मानने वालों को या अपने फॉलोअर्स को अपने पीछे नहीं लगा सकें, उनके अंदर वो तंजीम नहीं पैदा कर सकें जो तंजीम ये शख्स पैदा कर गया। मतलब आप इस हकीकत से इनहराफ नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आज ये इनका कोई जो भी गद्दी नशीन जो भी इस वक्त है मतलब वो कल्ट का लीडर, वो जो बात कहता है ये सुनते हैं ये मानते हैं। इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं इस्लाम से अडॉप्ट की हैं, अपने अंदर रखी हैं वो चीज़ें। अब यकीन कीजिए कि ये भी एक अल्लाह ताला के ख़ास ये चीज़ में मंशूर में शामिल होती है कि अपने उन सही मानने वाले और तस्लीम करने वालों के लिए वो बताए कि देखो जो एक तुम्हारे ख्याल में और तुम्हारे इस असूल के मुताबिक वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन सेम टाइम वो वही खूबी अपनाए हुए है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये उनकी गैरत को जगाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि तुम सो न जाना। मतलब अगर आज मुसलमान इस चीज को ले कि सवाल ये पैदा होता